हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठ शिक्षा। दोस्तों, आज हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम क्या समझने की कोशिश करना है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते क्यों। तो मैं सिंपल सा ज़्यादा इधर उधर घुमाने की बजाय मैं सीधा सीधा आ जाता हूँ मुद्दे पर कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो क्यों बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम अपने बुक्स में, आपने कैश बुक का नाम सुने होंगे। क्या सुने होंगे? कैश बुक होता है एक, और एक होता है पास बुक। आपने कैश बुक बनाना सीखे हो तो एक बात बताइए, कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है ना? हाँ सर। तो मैं कैश बुक का बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो मेरे बैंक के हिसाब से मेरे पास 1,00,000 रुपये शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है? 1,00,000 रुपये। मैंने अपने किसी को बोला कि भाई जाओ, मैंने उसको 80,000 रुपये का एक चेक काट के दे दिया, बोला कि जाओ बैंक में से पैसा निकाल के लेके आ जाओ। अच्छा, वो चला गया, भागा भागा गया बैंक में पैसा निकालने के लिए। और जैसे ही बैंक में गया तो बैंक वाला कहता है, अच्छा 1,00,000 रुपये, 80,000 रुपये का चेक लेके आए हो, ठीक है जल्दी से दिखाओ चेक। तो चेक दिया, जैसे स्टेटमेंट चेक करता है बैंक वाला कहता, अच्छा 80,000 रुपये का चेक लेके आए हो और आपके अकाउंट में तो 8,000 रुपये ही है। कितने रुपए हैं? 8 रुपए। ओ माय गॉड। अब वो भागा भागा मेरे पास आता है, क्या कहता है, सर क्या कर दे हो, आपके अकाउंट में जब पैसा नहीं होता है तो आप क्यों बैंक में मुझे भेजे पैसा निकालने के लिए, जब आपके अकाउंट में, बैंक वाला कह रहा है आपके अकाउंट में सिर्फ 8 रुपए है और आप मुझे 80,000 रुपये का चेक दे दियो। मैंने बोला, अच्छा चल इधर आ। मैंने बोला, देख तूने ही कैश बुक बनाया ना, कैश बुक के में तेरे हिसाब से मेरे पास अभी बैंक में कितना पैसा जमा है? 1,00,000 रुपये। फिर उसे भी गुस्सा आया मुझे कि भाई हाँ, ये तो अकाउंटिंग तो मैंने ही किया, अकाउंट तो मैं ही संभालता हूँ। तो हमारे हिसाब से 1,00,000 रुपये। मैं फिर, हम दोनों भागे भागे बैंक में गए। बैंक मैनेजर कहता, अरे भाई अब 1 से 2 हो गए, 2-2 आ गए, 1 से मन नहीं भरा क्या? हाँ, 1 को बोला भरोसा नहीं है क्या? तो बैंक वाले ने कहा, भाई 8 रुपये ही है। मैंने कहा, देखो मैं अपना, बैंक वाला कहता है, अच्छा ठीक है एक काम करो, आपने ये 1,00,000 रुपये कैसे लिखे हो तो आप अपना कैश बुक लेके आओ। तो बिजनेसमैन कैश बुक, और बैंक वाला जिसमें रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं पासबुक। बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाला रिकॉर्डिंग करता है ना, उसको क्या कहते हैं, पासबुक कहते हैं या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं? क्या कहते हैं? पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। तो ये रहा पासबुक, ठीक है ना। बैंक वाले ने कहा, ठीक है इस टेबल पे पासबुक को रख दो और यहाँ पे कैश बुक को रख दो और दोनों का स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे दोनों का स्टेटमेंट में मिसमैच है। अब ये जो गड़बड़ी हो गया है ना कि पासबुक के अकॉर्डिंग 8 रुपये है आपके अकाउंट में और आपके हिसाब से आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये है, तो ये दोनों में जो गड़बड़ी हो गया है, इसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए, सही करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कमाल है, 100 बातों की एक बात। ठीक है सर, तो हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दोनों को देख के कि किस में क्या गलती है, दोनों का स्टेटमेंट चेक किया जाएगा। तो ये गलती जो है ना वो 4 तरह से रिफ्लेक्ट हो सकता है। यानी कि हमारे अकाउंट का बैलेंस, कैश बुक का हमने 2 सीखा ना, कैश बुक का अगर हमारे बैंक में पैसा जमा है तो डेबिट बैलेंस कहते हैं, उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या उसको फेवरेबल भी कहते हैं। और अगर हमारा अकाउंट माइनस में चला जाए, मतलब ओवरड्राफ्ट में चला जाए, तो उसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर हमारे अकाउंट में पैसा जमा है तो स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होगा? प्लस से। और अगर हमारा अमाउंट माइनस में है तो हमारा स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होगा? माइनस में। और पासबुक का उसका उल्टा होता है। हमको मालूम है ना कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो अपने बुक में कैश बुक को हम डेबिट करते हैं, ठीक है ना, ओके, ये सोच के कि हमारा बैंक ने पैसा रिसीव कर लिया, डेबिट द रिसीवर। और वैसे ही पासबुक में, अगर हम बैंक में, पासबुक में किस तरह से एंट्री की जाती है? क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि बैंक वाले के लिए हम क्रेडिटर हैं, तो वो क्रेडिट, तो कैश बुक का डेबिट, तो पासबुक का क्रेडिट। तो देखिए, यानी कि कैश बुक अगर डेबिट फेवरेबल बैलेंस है तो पासबुक का आपका क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल, ये कहां से शुरू होगा? प्लस से। और अगर पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल है तो उसका ओवरड्राफ्ट यानी माइनस में आपने बैंक
बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लिए तो उसको डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कह सकते हैं, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल है तो हमको शुरू करना है माइनस से। अच्छा सर, ये गलती को किस तरह से सुधारा जा सकता है ये समझने की जरूरत है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एक स्टेटमेंट, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को रखा जा रहा है और दोनों में चेक करना है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है। तो उनमें से एक ट्रांजेक्शन, एक स्टेटमेंट जो है मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया है। इसके बाद हम पूरा डिटेल से इनमें से किसी एक फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को अगर हम समझ लेंगे तो बाकी तीनों फॉर्मेट से अगर आप क्वेश्चन आता है रेक्टिफाई करने के लिए तो आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको एक समझना है। तो एक के लिए एक एग्जांपल अभी समझा रहा हूं और इसके बाद मैं पूरा उसका डिटेल से समझा दूंगा। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने एग्जांपल लिया। क्या चेक इशूड किया है मैंने? तो चेक इशूड किया है सब जगह, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश बुक है, ये पासबुक है, यहाँ भी कैश बुक है, पासबुक है, ये कैश बुक है, पासबुक है, और यहाँ कैश बुक है और पासबुक है। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जिसका नाम लिखता हूँ उसी को यहाँ पे छेड़ना है और ये जो दूसरा नाम आ जाए यानी पासबुक जो भी हो हमें उसे ये समझना है कि वो पड़ोसी की बीवी है, उसको देखना तक नहीं है। हाँ गलती तो कहीं भी हो सकता है पर जब सही करने की बात होंगे तो अपने को सुधारना है, दूसरे को नहीं। तो क्या करना है, यहाँ पे कैश बुक है ना, तो कैश बुक को ही छेड़ सकते हो। कैसे? चेक इशूड, चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने किसी को चेक दिया, चेक दूंगा तो बताओ मैंने ये सोचा कि बैंक में जाएगा वो इंसान और पैसा निकाल लेगा तो मेरे बैंक से पैसा कम हो जाएगा, तो मैंने कैश बुक को कम कर दिया। बट कमबख्त वो इंसान है रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जाते जाते चला गया। कहाँ चला गया? बैंक पहुंचा ही नहीं, दुनिया से ही चला गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ में बह गया। अब कमाल है कि बैंक में पहुंचा नहीं है तो बताओ मेरे बैंक से पैसा कम हुआ क्या? सर कैसी बातें करो, जब बैंक पहुंचा ही नहीं चेक लेके तो मेरे बैंक से पैसा कम होगा क्या? नहीं हुआ। तो अब क्या करें सर? दोनों को सही करना है तो अब क्या करना पड़ेगा? मैंने यहाँ पे किसको बेस लिया है? कैश बुक को। तो इसका मतलब हमको छेड़ना यानी गलती सुधारना किस में है? सर कैश बुक में। तो इसका मतलब हमको दोनों बराबर करना है, दोनों के कंपेरिजन में कैश बुक कम हो चुका है ना, तो मुझे सही करने के लिए कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा यानी कि प्लस के कॉलम में। अब यहां भी देखो कैश बुक भले ही ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बट बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक का। तो इसका मतलब यहां भी प्लस ही होगा, सेम ट्रीटमेंट होगा। बस दोनों में अंतर क्या है कि जब इसका बैलेंस गिवन होगा डेबिट फेवरेबल तो ये प्लस में लिखेंगे और जब ओवरड्राफ्ट होगा माइनस में होगा तो ये माइनस में। यानी जो ट्रांजेक्शन है इसका इफेक्ट दोनों जगह सेम होगा क्योंकि दोनों जगह यहाँ कैश बुक है। कमाल है ना? हाँ सर। तो अब पासबुक का देख लेते हैं कि अब हमने चेक इशू किया है, तो चेक इशू किया तो कैश बुक तो कम हो चुका है बट वो बंदा बैंक में पहुंचा ही नहीं चेक लेके, तो पहुंचा नहीं तो क्या मेरे बैंक से पैसा कम हुआ? नहीं हुआ। बट अब यहां सवाल है कि किसको मैंने बेस लिया यहां पे? पासबुक, यानी पासबुक यहां अपनी है और कैश बुक पढ़ाई है। तो इसका मतलब किसको छेड़ना है यहां पे? किस में सुधार कर सकते हो? सर पासबुक में। तो अब ये पासबुक में छेड़ना है तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर पासबुक को कम करना पड़ेगा तभी तो दोनों बराबर होगा ना, यानी कि माइनस में लिखना पड़ेगा। और पासबुक का एक्चुअल बैलेंस फेवरेबल डेबिट यानी कि पासबुक का एक्चुअल बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं ना, प्लस में। अब सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी देखो कि अगर ये पासबुक है ना, बेस क्या लियो? पासबुक। तो चेक इशू की हो तो कैश बुक कम हो गया, आप किसको छेड़ सकते हो यहाँ पे? पासबुक को। तो यानी कि पासबुक को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों जगह सेम हो रहा ना? हाँ सर। यानी कि बेस बस हमको देखना है कि बेस हमको किसको लेना है। ओके, तो जिसको बेस लेना है उसी में गलती को सुधार करना है बस। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया है तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं इसका पूरा एक फॉर्मेट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से पूरा डिटेल से इसमें कितने तरह की गलती हो सकती है, 19 से 20 तरह की गलती
हो सकता है ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो हम 19 से 20 गलती को हम इस फॉर्मेट से करने की कोशिश करते हैं। और देखो मैंने उस 19 में से एक स्टेटमेंट का मतलब मैंने चारों में बता दिया, तो आप सोचिए कि हम एक समझ लेंगे तो बाकी तीन समझना तो कितना आसान है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, हम ये अब जो बैंक के रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के चार मेथड है उसमें से मैंने जैसे कि बताया कि हम बैलेंस एज पर कैश बुक का एक चार मेथड है, तो चार में से मैंने एक का फॉर्मेट लिखा है। और जैसा मैंने बता दिया कि अगर एक आपको समझ में आ जाता है तो बाकी तीन मेथड करना यूँ चुटकी बजाने जितना आसान है उससे भी आसान है। किसी को तो चुटकी बजाना शायद नहीं आता, पर ये अगर समझ में आ गया तो डेफिनेटली है कि तीनों मेथड आप जरूर कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस गलती को पहचानना है। तो डेबिट या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर गिवन है तो इतने सारे यानी 19 से 20 तरह की गलतियां हो सकती है। हमें मेन सबसे ज़्यादा जरूरी है और एक ही ज़रूरत है कि गलती को पहचानना। अगर आपने एरर यानी कि गलती को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपका ये क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, बशर्ते आप गलती को आइडेंटिफाई कर ले। तो देखिए ये मैंने 19 से 20 तरह की गलती को मैंने लिखा है कि इस तरह से गलती की जा सकती है और इस गलती को किस तरह से सुधारा जा सकता है वो हम सीख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बोलिए या पासबुक बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन की गलती हुई है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में हो गया है रिकॉर्ड बट पासबुक में नहीं हुआ है। हमको दो ही चीज देखना है, कैश बुक और पासबुक। तो सर ये हेडिंग मैंने बस लिख दिया है, एक हेडिंग है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, एक है एरर कमिटेड इन कैश बुक है और एरर कमिटेड इन बैंक पासबुक है, यानी इस तरह से इसमें गलती। ये हेडिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको गलती पहचानना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको भूल जाइए, बस मैंने लिख दिया है यहां से मेन है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू किया, इसका तो मैंने अभी बता भी दिया है, फिर दोबारा से बता रहा हूं कि चेक इशू किया दो चीज है, एक कैश बुक है पासबुक है। मैंने क्या बताया, ये देखिए कि यहां पे ये कैश बुक है तो जिसका नाम यहाँ पे आपने लिखा है आपको छेड़ना भी उसी में है, यानी कि अगर कोई गलती हुई है, गलती तो कैश बुक और पासबुक दोनों में से किसी में भी हो सकती है, पर अगर आपको उस गलती को सुधारना है ना तो वो सिर्फ उसी में सुधार सकते हो जिसका नाम यहाँ पर होगा। बस यही आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना है जब भी आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कर रहे हो। तो ठीक है, तो हमने चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने किसी को चेक दिया, मैंने किसी से उधार सामान खरीद रखा था, मैंने उसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है तो मैंने उसको चेक काट के दे दिया, ले भाई जा चेक लेके जा बैंक में जा ले लियो। तो मैंने चेक दे दिया तो मैंने क्या कर दिया होगा, मैंने कैश बुक को कम कर दिया होगा। हाँ जी, ये सोच के कि बैंक में जाएगा, बैंक से पैसा निकालेगा तो मेरा बैंक बैलेंस अपने आप कम हो जाएगा, बट वो इंसान पहुंचा ही नहीं, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, रास्ते में ही खो गया, कहीं चल बसा लगता है दुनिया से, वो बैंक तक पहुंचा ही नहीं, यानी जिस डेट को हम बना रहे हैं ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट उस डेट तक नहीं पहुंचा। ओके सर, नहीं पहुंचा, हमने क्या सीखा कि यहाँ पे जिसका नाम लिखेंगे उसी में गलती को सुधारना है, दूसरे को नहीं छेड़ना है। तो सर कैश बुक कम हो चुका है, अब मुझे बराबर करना है, तो ये एक बार कम हो गया, इसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको प्लस के कॉलम में लिख दूंगा, दो जो चीज प्लस करना है उसको प्लस के कॉलम में लिखना है, जो माइनस करना है उसको माइनस के कॉलम में लिखना है। और सबसे बड़ी बात ये कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट यानी कि आपके कैश बुक के अकॉर्डिंग आपके पास कितना पैसा जमा है बैंक में, तो ये होता है प्लस से शुरू करते हैं। फेवरेबल भी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक,
तो जो भी एक्चुअल बैलेंस होगा वो आपका प्लस में शुरू करेंगे, प्लस से शुरू करेंगे, चाहे कैशबुक का हो या पासबुक का। कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस को डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक कहते हैं, और पासबुक का मैंने क्या बताया कि फेवरेबल बैलेंस हो तो कैशबुक का उल्टा मतलब कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम कैशबुक का करें, चलिए एक हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक क्या है, डिपॉजिट कर दिया। चेक क्या है, ये कैशबुक है, ये पासबुक है, मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया है बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। मैंने चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट करने का मतलब समझ रहे ना कि मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया, बैंक वाला ने कलेक्ट ही नहीं किया। तो जब मैंने चेक बैंक में जमा किया तो मैंने कहा कि चलो भाई बैंक में जब हमने चेक जमा कर ही दिया तो बैंक वाला भी मेरे पासबुक को बढ़ा देगा, कमाल है। पर कमबख्त बैंक वाले ने जमा ही नहीं किया उस डेट तक, बैंक वाला सो गया होगा, बोलेगा चल भाई कल जमा करेंगे, और डेट आ गई तो उस डेट को उसने जमा नहीं किया, मिसमैच हो गया, बैंक ने जमा नहीं किया, हमने तो जमा कर दिया, हमने कैशबुक को बढ़ा दिया। अब क्या करना पड़ेगा, बैंक में तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं, हमको किसको छेड़ना है, कैशबुक को, पासबुक को, पड़ोसी की बीवी है। तो यहाँ पे कैशबुक में से ही माइनस करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा ना। हाँ जी, तो माइनस के कॉलम में आप लिख दीजिए, कमाल है। अगला है चेक डिपोजिटेड बट डिसऑनर। ये डिसऑनर क्या होता है सर, ये कैशबुक है, ये पासबुक है। चेक डिपोजिटर क्या लिखा है दोस्तों, चेक डिपोजिटर बट डिसऑनर। चेक डिपोजिट हमने किया तो चेक जैसे ही डिपोजिट करेंगे मैं कैशबुक को बढ़ा दूंगा ये सोच के कि भाई बैंक में तो पैसा जमा हो जाएगा, बट वो डिसऑनर का मतलब यहाँ पे चेक डिसऑनर का मतलब हो गया चेक बाउंस हो जाना। क्या होता है, चेक बाउंस हो जाना मतलब कि बैंक वाले ने चेक एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो एक्सेप्ट ही नहीं किया तो बैंक वाले मेरे अकाउंट में पैसा जमा करेगा ना जी ना, तो दोनों में गलत बराबर मिसमैच हो गया ना। आप क्या करें, पासबुक को बढ़ा देते हैं तो बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि कैशबुक बढ़ी है पासबुक भी बढ़ जाएगा बराबर ना। क्या लिखा है यहाँ पे, कैशबुक, तो इसका मतलब किसमें छेड़ना है, कैशबुक। तो कैशबुक बढ़ चुका है, दोनों को बराबर करना है तो कैशबुक को ही माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगला चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक रिकॉर्ड कर दिए हो, ये रहा कैशबुक, ये है पासबुक। रिकॉर्ड का मतलब आपने कैशबुक को तो बढ़ा दिए हो बट नॉट डिपॉजिटेड। एक बात बताओ, मेरे पास कहीं से चेक आया था, मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया, चेक मेरे पास आया, ठीक है ना, तो मैंने कैशबुक को बढ़ा दिया ये सोच के, अरे वाह चेक आ गया 1,00,000 रुपए का, चलो भाई कैशबुक को बढ़ाओ। मैंने अकाउंटेंट को बोला एंट्री कर दे भाई कैशबुक को बढ़ा दो, बढ़ा दिया। बट वो चेक को मैं अपने तकिए के नीचे दबा के सो गया, सपने देख रहा हूँ अच्छे अच्छे, वाह वाह 1,00,000 का मैं ये करूंगा वो करूंगा। एक बात बताओ, जब तक वो चेक मैं बैंक में जमा नहीं करता क्या मेरे बैंक में पैसा जमा होगा, क्या नहीं होगा ना, तो बैंक में तो जमा हुआ ही नहीं, अब दोनों में मिसमैच बराबर नहीं आ रहा है, अब क्या करें क्या करें, कैशबुक को ही छेड़ सकते हैं तो कैशबुक को घटा दो तो माइनस कर देंगे, कमाल है ना। ये हमारा 4 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इन बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डिंग इन कैशबुक। जैसा कि मैंने बताया कि इस लाइन से आपको कोई लेने देना नहीं है, आपको तो ये ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, गलती को पहचानना है। तो देखिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इन बैंक पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है बट नॉट रिकॉर्डिंग इन कैशबुक। यहाँ पे हमने देखा था कि कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ पासबुक में नहीं हुआ, यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है कैशबुक में नहीं होगा, नहीं हुआ है तो क्या करें, तो क्या करें ना क्या, पहला चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक। ओ माय गॉड, ये ऐसा भी होता है क्या, हाँ जी होता तो है। चलिए इधर देखते हैं, ये हमारा कैशबुक, ये है पासबुक। तो देखिए चेक या कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक। मैंने किसी को उधार सामान बेचा था, है ना, कस्टमर है, डेटर है, उससे पैसा लेना है, वो इंसान ने मुझे चेक ना दे के मेरे नाम से मेरे बैंक में जाके जमा कर दिया चेक डायरेक्टली, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, चेक या कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक। चाहे वो कैश मेरे बैंक में जाके जमा कर दे डायरेक्टली या चेक जाके जमा कर दे, तो जैसे ही जमा कर देगा तो क्या हो जाएगा, मेरे बैंक वाला मेरे बैंक में अमाउंट डाल देगा, पैसा जमा कर देगा, तो पासबुक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब उसने बताया नहीं क्या, बैंक वाला फोन करके बताएगा, अरे भैया आपका एक कस्टमर था इस नाम से, उसने आपके अकाउंट में ना इतना पैसा जमा कर दिया है, आप भी अपने कैशबुक में रिकॉर्ड कर लो। क्या बैंक का यही काम है, सबको फोन करके बोलता रहे कि तुम्हारा पैसा आ गया, तुम्हारा पैसा इतना जा रहा है, बैंक का ये काम है, नहीं नहीं है ना।
तो क्या करे, तो बैंक बढ़ चुका है, कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। गलती यहाँ पे किस में छेड़छाड़ करना है, कैश बुक में, ठीक है ना। तो पासबुक बढ़ गया था, कैश बुक को भी हमने बढ़ा दिया, यानी अब यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन उस तरह के हैं जो कि पासबुक यानी बैंक वाले ने रिकॉर्ड कर दिया है, हम रिकॉर्ड करना भूल गए या हमें पता ही नहीं चला कि भाई बैंक वाले ने बढ़ा दिया है। तो हमको बढ़ा दिया या घटा दिया, हमको भी बढ़ाना या घटाना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया है, क्या किया है, इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया। कैश बुक है ये, पासबुक है। आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है ना। हाँ सर, बैंक वाला इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट देता है तो क्या करेगा बैंक वाला, आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देगा ना। हाँ, फोन करके बताएगा ना जी, ना फोन करके नहीं बताएगा। तो बैंक बढ़ चुका है, कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जी प्लस कर दो जी, कमाल है ना। हाँ जी, ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है। और इसका भी था ये। अगला है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट तो हमने जो बैंक में पैसा जमा किया उस पर इंटरेस्ट, और डिविडेंड हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, तो उस हिस्सा को हम डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट को क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, डिविडेंड एक प्रकार से प्रॉफिट है, कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, ये कैश बुक है ये पासबुक है। आपने मान के चलिए किसी कंपनी का शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब जैसे ONGC का आपने शेयर खरीद रखा है तो उस पे प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया, तो आपके बैंक वाले ने क्या किया, आपके डायरेक्ट, क्योंकि ये सब जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन ट्रांसफर सब कुछ होता है, तो ये इनकम भी ऑनलाइन यानी आपके बैंक में ही डायरेक्ट जमा होगा। कंपनी वाले आपके घर में तो पैसा देने आएंगे नहीं, तो बैंक में पैसा जमा हो गया। अब क्या करें, बैंक वाले ने बढ़ा दिया है, कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा जी, तभी तो बराबर होगा। कमाल है जी, बस यही खेल है। अगला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। ये है कैश बुक, ये है पासबुक। रियलाइज मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, कि मैंने आपको उधार सामान बेचा, आप पे मुझे भरोसा नहीं था, मैंने कहा भाई साइन करके दे, साइन करके देगा तभी मैं मानूंगा कि तू पैसा लौटाएगा। कह तो रहा है कि 2 महीने में लौटा दूंगा सर, पर मुझे भरोसा नहीं है, तो मैंने उससे एक बिल बनवाया, साइन करवा के मैंने ले लिया, तो उसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं बैंक वाले को दे रखा था कि भाई ये इंसान आएगा 2 महीने बाद, पैसा ले लेना, मेरे अकाउंट में जमा कर देना, तो उसी को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज। तो इसका मतलब बैंक वाले ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया होगा, जब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में मेरे सामने कस्टमर ने पैसा जमा किया होगा, बैंक बढ़ गया है, तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा सर। कमाल है। अगला बैंक चार्जेस चार्ज क्या है, बैंक चार्जेस चार्ज। कैश बुक है ये, पासबुक है। बैंक चार्जेस मतलब एक्सपेंस एक प्रकार से, ठीक है ना। तो जैसे आपका मान के चलो पासबुक इशू करा रखे हो, ATM तो सभी इशू कराते हैं, तो ATM आपने इशू करा रखा है, तो बताइए ATM के बदले में आपके अकाउंट से पैसा काटता है ना। हाँ सर, पैसा तो काटता है बैंक वाला, हमेशा काटता रहता है, हर साल काटता रहता है, जब देखो बिना पूछे काट लेता है, 150 रुपये, पौने 200, 200 रुपये, हर बैंक का अलग अलग होता है। तो क्या आपसे फोन करके बताएगा कि सर मैं आपके अकाउंट से इतना पैसा काट लूं, आपने ATM ले रखा है, नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट बैंक वाला पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देगा, नहीं होगा तो माइनस में करेगा, पर माइनस तो करेगा। अच्छा, अब बैंक वाले ने माइनस कर दिया, आपको बताया ही नहीं, क्या करें, आपको भी बराबर करना पड़ेगा, तो कर दो माइनस। कमाल है ना। हाँ जी सर, माइनस हो गया। अगला है इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट भी चार्ज, लोन लोगे तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो क्या करता है बैंक वाला, आपके अकाउंट से ही पैसा काट लेता है, क्या करता है, आपके अकाउंट से ही पैसा काट लेगा। तो आपके अकाउंट से काटेगा तो बैंक वाला माइनस करेगा ना, तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को भी माइनस करना पड़ेगा। ये लो जी, हो गया। अगला है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। ओहो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी मतलब मैंने बता दिया था कि मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, उससे एक बिल साइन करवा के मैंने ले लिया था। अब मुझे उसने प्रॉमिस किया कि मैं 2 महीने बाद पैसा पेमेंट करूंगा, मैंने कहा ठीक है। अब वो बिल लेके मैं बैंक के पास गया, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने कहा भाई पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैंने बैंक को ये बिल दिया और बैंक को बोला भाई ये इंसान 2 महीने बाद आएगा, आपको पैसा दे देगा, इस बिल के बदले मुझे आज पैसा दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी है। बैंक ने कहा अच्छा मैं दे तो देता हूँ,
पर कम दूंगा, उस पे कम पे देना। मान के चलिए 1000 रुपए का बिल था, बैंक वाले ने मुझे 900 रुपए दिया। क्यों दिया? क्योंकि बैंक वाले को पैसा कितने समय बाद मिलेगा? 2 महीने बाद मिलेगा, 2 महीना 3 महीना जो भी डेट है। तो उसे कहते हैं बिल्स को डिस्काउंट पे, बिल को डिस्काउंट पे डिस्काउंट करा लेना, यानी डिस्काउंट पे पैसा ले लेना। अच्छा, अब 2 महीने बाद बताइए, अगर वो इंसान बिल का पैसा बैंक को नहीं देता है तो बैंक वाला क्या करेगा? आपके अकाउंट से पैसा काटेगा ना, यानी मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा ना। हाँ जी, तो इसका मतलब उसको कहते हैं डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर। डिसऑनर मतलब कि वो गायब हो गया इंसान, मैच्योरिटी पे पैसा नहीं दिया, तो बैंक वाला मेरे अकाउंट से पैसा माइनस करेगा। अच्छा, मुझे तो बताएगा नहीं फोन करके, क्योंकि भाई बैंक तो बैंक है, तो मुझे भी अब क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक को ही छेड़ना है। कमाल है। लास्ट है इस साइड का, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए, जैसे कि हम कोई इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर इंश्योरेंस को छोड़ दीजिए, हम कोई चीज़ का ईएमआई कराते हैं, ये नॉर्मली जो होता है इंश्योरेंस के केस में होता है। अगर हम कोई चीज़ लोन पे लेते हैं या ईएमआई पे लेते हैं, आपने नाम सुने होंगे ईएमआई पे, किस्तों पे सामान लेना, तो जब ईएमआई पे लेते हैं तो हर महीने ईएमआई हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो अब हर महीने ईएमआई पेमेंट करना पड़ता है, तो क्या उसके लिए मैं बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि भाई हर महीने की इस तारीख को ना आप मेरे अकाउंट से इतना पैसा काट के यहाँ पेमेंट कर देना। तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखा है बैंक वाले को, तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो मेरे बिहाफ पे बैंक वाले ने वो ईएमआई का अमाउंट पेमेंट कर दिया, तो बैंक वाले ने तो मेरे अकाउंट पासबुक में से माइनस कर दिया, पर वो मुझे तो बताएगा नहीं, मैं भूल गया, एंट्री नहीं किया, क्योंकि इतना ही लिखा है तो हम यही मानेंगे कि हमने एंट्री नहीं किया है। तो अब पासबुक कम हो चुका है, कैशबुक को भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कैशबुक में को छेड़छाड़ करना है। तो ये सर मन में आ रहा है, पासबुक को छेड़ तो रहे हैं सब जगह यहाँ पे, वो हम छेड़ नहीं रहे, वो गलती है। मेन कहानी क्या है कि हमें गलती को आइडेंटिफाई करना है। तो ये गलती हमने, गलती किसी में भी हो सकती है, कैशबुक पासबुक कहीं भी, बट सुधार किस में करना है? सिर्फ कैशबुक में। तो इसीलिए कैशबुक को मैंने माइनस कर दिया। कमाल है। अब अगला इधर देख लेते हैं, एरर कमिटेड इन कैशबुक। कैशबुक में कोई गलती हो जाए, अब यहाँ पे एरर कमिटेड इन पासबुक। कमाल है, ठीक है, देख लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। देखिए, ये कैशबुक है, ये पासबुक है, तो चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, तो इसका मतलब बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, मतलब ये कि हमने पासबुक को बढ़ा दिया होगा। हमने चेक बैंक में जमा किया तो कैशबुक में बढ़ाना चाहिए, और बैंक वाले ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब बैंक वाले ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। बट लिखा है साफ साफ क्वेश्चन में, लिख दिया है कि नोट रिकॉर्डिंग कैशबुक, यहाँ पे और यहाँ में अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, बट नोट रिकॉर्डिंग कैशबुक का मतलब कैशबुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब ये कि बैंक में पैसा जमा हो गया होगा। यहाँ पे जो था नोट कलेक्टर लिखा था, बट यहाँ पे नोट रिकॉर्डिंग कैशबुक, इसका मतलब बैंक वाले ने कलेक्ट कर लिया है और बैंक में बढ़ा दिया है। तो बैंक में बढ़ा दिया है तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैशबुक को छेड़छाड़ कर सकते हो। तो प्लस कर दो, प्लस के कॉलम में आप लिख देंगे। अगला है चेक इशूड बट नोट रिकॉर्डिंग कैशबुक। ये कैशबुक है, ये पासबुक है, तो क्या है, चेक इशूड किए हैं बट नॉट रिकॉर्डिंग कैशबुक। मैंने किसी को चेक दे दिया काट के, और वो चला गया बंदा बैंक में, गया होगा बैंक से पैसा निकाल लिया, तो बैंक वाले ने क्या किया होगा, मेरे पासबुक को कम कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, बट मैंने ही कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। भाई अगर चेक दिया तो मेरे कैशबुक को तो कम करना चाहिए ना, कैशबुक में से तो माइनस करना चाहिए था ना, नहीं किया, तो अब कर दो माइनस, बराबर। कमाल है ना, तो ये माइनस कर देंगे, कमाल है। अगला, ओवर कास्टिंग एरर इन द रिसीट साइड। देखिए, ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग का सिचुएशन है दोनों कैशबुक में, तो इसको समझने के लिए जरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। दो एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए मेरे पास कैशबुक में बैलेंस बीडी रहा होगा 1000 रुपये, ठीक है ना। अब 1000 रुपये रहा होगा, रिसीट साइड का मतलब होता है डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो ये एक्चुअल है। तो मान के चलिए मेरे पास कहीं से 500 रुपये आया, तो बताइए सीडी बैलेंस कितना होना चाहिए, 1500 रुपये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है, मान के चलिए बीडी मेरा 1000 रुपये है,
ठीक है ना। और अगर मैं पेमेंट करूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिसीव हुआ है पैसा, और यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो मान के चलिए 500 पेमेंट कर दूंगा, तो सीडी कितना होना चाहिए यहाँ पे सर, 500 होना चाहिए। ये हमें एक्चुअल बैलेंस दे रखा है। मैं बता रहा हूँ कि ओवर कास्टिंग क्या होता है और अंडर कास्टिंग क्या होता है, तो ये एक्चुअल में होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। बट क्या हुआ क्या है कि ये तो बीडी मेरा 1000 रुपये था, मेरे को रिसीव कितना हुआ 500 रुपये, ओवर कास्टिंग, मतलब कि मैंने ज़्यादा लिख दिया, 500 की जगह मान के चलिए मैंने 200 रुपये ज़्यादा लिख दिया, तो 500 की जगह मैंने कितना लिख दिया 700 रुपये रिसीव लिख दिया। तो बताइए सीडी कितना हो जाएगा सर, सीडी पहले तो एक 1500 तो हो रहा था, अब कितना हो रहा है 1000 और 1700 रुपये। ओ माई गॉड, इसका मतलब बैलेंस सीडी पे क्या इम्पेक्ट आया, इंक्रीज, मतलब कि यहाँ पे जो कैश बुक है और ये पासबुक है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या पाया जा रहा है, इंक्रीज पाया गया। इसको कहते हैं ओवर कास्टिंग एरर इन द रिसीट, यानी कि डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, यानी कैश बुक में आपने डेबिट साइड में आपने गलती से ज्यादा लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिया है, तो ज्यादा लिखने से मेरा कैश बुक का जो बैलेंस सीडी है वो बढ़ जाएगा। अच्छा सर, अब जरा देख लेते हैं पेमेंट साइड वाला, ठीक है सर, तो पेमेंट साइड का देख लेते हैं ये कैश बुक, तो बीडी तो हमें पता है 1000 रुपये। अब मान के चलिए पेमेंट साइड में ओवर अंडर कास्ट हो गया, क्या है, हमने ये ओवर कास्ट का देख लिया है, अब पेमेंट साइड का अंडर कास्ट, दोनों का मतलब एक ही है सर, अंडर कास्ट मतलब कम, तो 500 रुपये मुझे पेमेंट किया है मैंने एक्चुअल में, पर गलती से मैंने 200 रुपये कम लिख दिया, तो मैंने कितना रुपये लिख दिया होगा 300 रुपये, 200 कम, तो बताइए सीडी कितना हो जाएगा सर, 1000 में से 300 घटाएंगे तो 700, कमाल है। देखिए यहाँ भी 200 रुपये इंक्रीज पाया जा रहा है और यहाँ भी 200 रुपये इंक्रीज पाया जा रहा है। इससे क्या हमने समझा है कि कैश बुक का डेबिट, डेबिट का मतलब पैसा आना, अगर रिसीव ज़्यादा मान लेते हो, ज़्यादा लिख देते हो रिसीव साइड में, डेबिट साइड में, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, या फिर कैश बुक का जो क्रेडिट साइड होता है पेमेंट, एक बात बताइए मैंने को 500 रुपये किसी को पेमेंट करना था, ठीक है ना, बट गलती से मैं 300 रुपये ही दिखाया, तो बताइए अगर पेमेंट मैं कम दिखाता हूँ तो मेरे हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा या कम बचेगा, सर ज़्यादा बचेगा, तो कमाल है ना। तो यानी कि ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक या फिर अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक ऑफ क्रेडिट साइड, ये दोनों का मतलब एक ही है, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा, यानी कैश बुक का जो टोटल ओवरऑल बैलेंस है वो क्या है, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो पासबुक को बढ़ा देना, पासबुक को बढ़ा दे, हम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, कैश बुक के, तो कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा, तो कमाल है इसका पूरा ट्रीटमेंट, कैश बुक में माइनस। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ओवर कास्टिंग एरर इन द रिसीट साइड यानी डेबिट साइड हो कैश बुक का, या अंडर कास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक हो, तो दोनों का मतलब ये है कि कैश बुक उतने से बढ़ चुका है, अब कम करना पड़ेगा, कमाल है। अब हम बात करते हैं अंडर कास्टिंग एरर इन द रिसीट और डेबिट साइड एंड ओवर कास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कमाल है ना, इसका मतलब ये कि इसका उल्टा होगा, तो यानी ओवर कास्टिंग, अब इसको मैं एग्जांपल से नहीं, मैं सीधा ओरली मैं बता देता हूं, एक बात बताइए अंडर कास्टिंग डेबिट साइड में, अंडर कास्ट मतलब कम, एक बात बताइए रिसीट साइड, रिसीट मेरे पास पैसा अगर जितना आया है 1000 रुपये आया है, मैंने उसमें 200 रुपये गलती से कम लिखा, मेरे पास जितना भी पैसा आया है उसमें से मैंने 200 रुपये कम लिखा, अंडर कास्टिंग का मतलब कम लिखना, तो कम लिखने से मेरा बैलेंस भी तो कम ही दिखेगा ना, मेरा बैलेंस भी कम दिखेगा ना, हाँ सर कम ही दिखेगा, ओके। और दूसरा यानी कि मैंने क्या बोला कि ये कैश बुक है ये पासबुक है, ठीक है सर, तो इसका मतलब कम दिख रहा है, क्या हो गया है मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, समझ में आ गया ना, हाँ सर। अब जरा दूसरा देख लेते हो ओवर कास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड यानी पेमेंट साइड यानी कि पेमेंट, तो एक बात बताइए पेमेंट साइड अगर मैंने ज्यादा पेमेंट कर दिया, मतलब कि मुझे किसी को 1000 रुपये करना था पेमेंट, 1000 रुपये किया पेमेंट एक्चुअल में, पर मैंने गलती से ना 1200 रुपये पेमेंट दिखा दिया, तो बताइए पेमेंट अगर मैं ज्यादा कर देता हूं तो मेरे हाथ में पैसा कम बचेगा या ज्यादा बचेगा,
सर जितना पेमेंट करना था उससे अगर मैं ज़्यादा पेमेंट दिखा देता हूँ तो मेरे हाथ में तो पेमेंट अमाउंट कम दिखेगा ना। हाँ सर, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस कम होगा। तो समझ में आ गया कि चाहे अंडर कास्टिंग हो रिसीट साइड यानी कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, या ओवर कास्टिंग एरर हो पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, दोनों का मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लस कर देते हैं जी, कमाल है। अब देख लेते हैं एरर कमिटेड इन द बैंक पासबुक, यानी कि एरर कमिटेड इन द बैंक पासबुक में क्या है कि बैंक पासबुक में कुछ गलती, रॉन्ग क्रेडिटेड गिवन बाय द बैंक, यानी कि कैश बुक है, पासबुक है, और इसका भी देख लेते हैं, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, तो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, गलती से बैंक वाला क्रेडिट करता है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, बैंक वाला क्रेडिट करता है मतलब बैंक वाले ने आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया गलती से, रॉन्गली। बैंक वाले को करना था किसी और के अकाउंट को क्रेडिट, किसी और के अकाउंट में पैसा जमा करना था, पर गलती से उसने आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। ओहो, लॉटरी लग गया, मजा आ गया सर, बहुत खुशी की बात है ना जी ना, वो पैसा फिर ले भी लेगा। तो मतलब हमें ये नहीं देखना है कि क्या सही है या गलत है, हमें बस देखना है कि हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, चलो भाई बराबर करना है ना, तो कैश बुक को छेड़ना है, कैश बुक को भी बढ़ा दो भाई बढ़ा दो, कमाल है। अब अगला, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक। अच्छा, अब यहाँ तो बहुत खुश हो रहे थे, अब यहाँ गलती से ना किसी और के अकाउंट में से माइनस करना था बैंक को, किसी और के अकाउंट में से, पर गलती से ना उसने आपके अकाउंट में से माइनस कर दिया, किसके अकाउंट में से, आपके। ओहो कैसा लगा सर, ये तो बहुत गलत बात है, यहाँ तो बहुत खुशी हो रही थी, यहाँ तो सर मजा खराब हो गया, तो बैंक ने आपके अकाउंट में से गलती से माइनस कर दिया था, करना था किसी और का माइनस, कर दिया आपके अकाउंट का माइनस, कर दो फिर माइनस, क्या सर कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा, सर रो क्यों रहे हो, अरे भाई पैसा बैंक वाले ने काम माइनस कर दिया, कमाल है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो आंसर जो आपका लास्ट में आएगा कहाँ पे आएगा, बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड में, आपने क्रेडिट कह रहा माइनस साइड में, प्लस से शुरू किए थे ना तो माइनस साइड में, क्या आएगा, यहाँ पे डेबिट है तो आएगा यहाँ क्रेडिट, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलिए, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर क्रेडिट, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो कमाल है ना, ये हमने पूरा समझ लिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, चार क्वेश्चन फटाफट करते हैं, नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर वन हम शुरू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन अपने असाइनमेंट का, इसका आपको टेलीग्राम चैनल, मेरे पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और हम क्वेश्चन नंबर वन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन, प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31st December 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी 31 दिसंबर के डेट में हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहला एडजस्टमेंट दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी कि सबसे पहले नंबर पे हमको यहां पे दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये डेबिट की जगह क्या लिखा सकता है, फेवरेबल भी लिखा सकता है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना कैश बुक का बैंक कॉलम, हमने समझा था ना कि बैंक कॉलम की बात करते हैं, 372,000 दे रखा है, 372,000 रुपये, और ये 372,000 रुपये कौन से कॉलम में लिखना है, प्लस के कॉलम में, क्योंकि फेवरेबल है, एक्चुअल बैलेंस कैश बुक का जो होता है और डेबिट बैलेंस ही तो होता है ना। हाँ जी, ये डेबिट बैलेंस 372,000 रुपये आ गया। अब क्या क्या गलती हुआ जरा देखते हैं, चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, ओ माय गॉड, यानी कि दूसरा नंबर, ये फर्स्ट नंबर पे था सेकेंड नंबर, अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिटेल है वो यही वाला लिख देना जो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चेक इशू टू क्रेडिटर, यही आप पूरा लिख देंगे, मैं पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, चेक इशू किया, अगर चेक इशू किया टू क्रेडिटर तो पेमेंट करना है, तो बताइए कैश बुक का बैलेंस मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। सर अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है, मैं चेक दूंगा तो कैश कम हो जाएगा, हाँ जी कैश का मतलब मेरा बैंक बैलेंस, कैश बुक का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जब भी मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक में बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, याद रखना कैश बुक का कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
तो कैश बुक मेरा कम हो चुका है बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, यानी जिस इंसान को मैंने चेक दिया था काट के कि ले भाई तू बार बार आ जाता है पैसा लेने के लिए, ये ले अब दोबारा शकल मत दिखा दियो, उसको चेक दिया वो जाके घर पे सो रहा है आराम से महीनों तक सोया पर आए, तो इसका मतलब वो बैंक पहुंचा ही नहीं। तो जब बैंक पहुंचा ही नहीं अभी तक के, तो क्या मेरे बैंक से पैसा कम हो गया क्या? नहीं सर, बैंक से पैसा कैसे कम होगा जब पहुंचा ही नहीं। तो जब ये चेक यहाँ से मैंने कम कर दिया था ये सोच के बैंक पहुंचा ही नहीं, पासबुक में कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। सर दोनों को बराबर करना है, अब बताइए यहाँ पे मैंने किसका नाम लिखा है? कैश बुक का। तो याद रखिए यहाँ पे मैं जिसका नाम लिखूंगा उसी में रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब रेक्टिफाई करना है, यानी कि उसी को छेड़ना है और दूसरे को नहीं छेड़ना है, याद रखिएगा। दूसरे का मतलब यहाँ पे वो पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसी की बीवी को जैसे हम नहीं छेड़ सकते हैं वैसे ही यहाँ पे दूसरा जो भी हो, यहाँ पे ये जो लिखा है वो आपकी बीवी है आप है, और ये जो दूसरा है उसको नाजिना नहीं छेड़ना है। तो अब पूरे जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए तब तक के सिर्फ कैश बुक यानी कि आपकी है और ये जो दूसरा है वो पासबुक मतलब पड़ोसी की बीवी, ना छेड़ना नहीं है देखना भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 72,000 जो है वो कैशबुक कम हो चुका है, इसको नहीं छेड़ना है, तो क्या करें? कैशबुक को ही मुझे बढ़ाना पड़ेगा और कैशबुक को ही बढ़ाना पड़ेगा यानी कि प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपए है? 72,000 रुपीज है, कमाल है, प्लस में हमने प्लस किया है ना, तो देखिए प्लस। और यहाँ पे लिखना क्या है, लिखने में ये मैंने बता दिया ना, पूरा लिख देंगे यही जो आपको क्वेश्चन में लिखा दिखाई दे रहा है, चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, ये पूरा लाइन लिख देंगे, मैंने समझा दिया। अगला है थर्ड, थर्ड में क्या है, थर्ड में देखते हैं डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। ओह माय गॉड, ये कैश बुक है ये पासबुक है। देखो इसमें सबसे बड़ा खेल तो बस इतना ही है कि गलती क्या हुई है उस गलती को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। अगर आपने गलती को पहचान लिया तो ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में जितने नंबर का क्वेश्चन आया आप पूरे नंबर आसानी से ले सकते हैं, सारा खेल इस गलती को पहचानने का है बस, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिमाग का खेल नहीं है। तो सबसे पहले यहां देखिए डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड एक प्रकार से प्रॉफिट होता है, जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना तो उस कंपनी से हमको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है तो उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड बैंक ने रिसीव कर लिया बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। एक बात बताइए, अगर बैंक रिसीव करेगा तो बैंक तो मेरे पासबुक में बढ़ा देगा, यानी बैंक जो भी एंट्री करता हो किसमें करता है? पासबुक में करता है, तो पासबुक तो बढ़ चुका है बट क्वेश्चन में क्या लिखा है? बट नॉट एंटर इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री हमने नहीं किया, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पे हमें किसको छेड़ना है? कैश बुक को। किसका नाम हमने लिखा? कैश बुक को। तो जो भी गलती है इसके साथ करनी, सुधारना है, दूसरे को नहीं। तो ये तो गलती हुआ था हो चुका है, अब हमें किसको छेड़ना है? सिर्फ कैश बुक को, पासबुक को ना ही नहीं छेड़ना है। तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ तब क्या करना पड़ेगा? अब हमको कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपए है जी? 500 रुपए है, 500 रुपए प्लस के कॉलम में लिख दीजिए। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, यानी क्या है इंटरेस्ट? फोर्थ नंबर पे कैश बुक पासबुक की अगर बात करूं तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। बैंक में आप पैसा जमा करते हैं ना, हाँ, तो बैंक ने उस जमा डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अलाउ किया, आपको दिया है। तो बैंक वाले अगर आपको पैसा देते हैं तो आपके अकाउंट में जमा करेंगे ना, हाँ, या आपको घर देने आएंगे, आपके अकाउंट में ही तो जमा करेंगे ना, हाँ, तो अकाउंट में जमा करेंगे, इसका मतलब किस में रिकॉर्ड करेगा वो? पासबुक में। तो इसका मतलब पासबुक में वो बढ़ा चुका है और आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मानेंगे कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, क्योंकि अब आपको फोन करके थोड़ी ना बोलेगा बैंक वाला कि सर मैंने आपके अकाउंट में ना इंटरेस्ट का पैसा जो है 500 रुपये 1,250 रुपये जमा कर दिया, क्या फोन करके बताता है क्या आपको बैंक वाला? नहीं बताता है ना, तो इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको तो छेड़ना नहीं है, गलती कहीं भी हो सकती है पर उस गलती को सुधारने के लिए हमें पासबुक को नहीं छेड़ना है, ये पड़ोसी की बीवी है। ओके सर, तो कैश बुक को छेड़ना है तो क्योंकि पासबुक बढ़ चुका है तो इसको भी बढ़ाएंगे तभी तो दोनों बराबर में आएंगे ना, हाँ सर। कितना रुपए प्लस करना पड़ेगा? 1,250 रुपए।
नेक्स्ट है आपका चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। हमने चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, क्या किया है फिफ्थ नंबर पे हमने, ये कैश बुक है ये पासबुक है, चेक डिपॉजिट किया तो ये उम्मीद से कि भाई बैंक में मैंने चेक भेजा कि ये चेक जमा कर दिया अब तो मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, तो मैंने कैश बुक में बढ़ा दिया। बट आगे लिखा है बट नोट कलेक्टेड बाई द बैंक अप टू दिस डेट, मैंने चेक आज जमा कर दिया, आज क्या डेट है 31 दिसंबर के डेट में हम एंट्री कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर को मैंने सोचा कि बैंक में जमा किया तो बैंक भी बढ़ा दे, पर वो बैंक वाले ने उस डेट को नहीं, वो चेक रख दिया बॉक्स में, छोड़ दिया बॉक्स में छोड़ दिया, उसने मेरे अकाउंट में एंट्री नहीं किया, तो इसका मतलब पासबुक में बढ़ा नहीं है। अब बताओ पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ तो दोनों में तो मिसमैच आएगा ना, दोनों में दोनों का बैलेंस तो खराब होगा, तो अब क्या करें दोनों का बराबर करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कैश बुक को कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पासबुक में एंट्री हुआ नहीं, कैश बुक बढ़ चुका है, दोनों को बराबर लाने के लिए जितने से बढ़ चुका है उतने से यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितने रुपए माइनस करना पड़ेगा 15,400 रुपये। अब माइनस करना है तो माइनस के कॉलम में, प्लस करना है तो प्लस के कॉलम में, सीधी सी बात है। नेक्स्ट जो है आपका बैंक चार्जेस, सिक्स नंबर पे जो है वो क्या है आपका बैंक चार्जेस, तो ये कैश बुक है दूसरा पासबुक है। बैंक चार्जेस, अगर कोई बैंक आपसे चार्ज लेता है जैसे कि एटीएम, एटीएम क्रेडिट कार्ड, तो एटीएम का जो चार्ज होता है क्या आपको बैंक वाला फ़ोन करके बोलता है कि सर आपने एटीएम ले रखा है उससे कब पैसा मैं चार्ज कर लूँ, नहीं ना, तो वो बैंक वाला क्या करेगा बिना आपको बताए आपके अकाउंट से पैसा कम कर देगा, यानी पासबुक को माइनस कर दिया। अब बताइए आपको तो पता चला ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो ये मान लेंगे कि जो जो एंट्री करता है उसके भी यहाँ पे हो गया होगा, तो पासबुक में कौन एंट्री करता है बैंक वाला ना, तो पासबुक में कम हो गया होगा, कैशबुक को भी बराबर लाना ना, किसको छेड़ना है कैशबुक को, तो अब कैशबुक को क्या करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, ये कम हो चुका है तो इसको भी कम कर दो जी, कितने रुपये है जी बैंक चार्जेस 200 रुपये, तो 200 रुपये मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। और अगला क्या है सेवेंथ नंबर पे है चेक, सेवेंथ नंबर पे है अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसओनर बट नो इंटीमेशन रिसीव, चेक डिपॉजिट किया था तो बताइए अगर मैं चेक डिपॉजिट करता हूँ तो क्या होगा कि मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया था, ये सोच के कि मैंने बैंक में चेक जमा किया है तो बैंक वाला भी मेरे अकाउंट में एंट्री कर देगा, अकाउंट में पैसा डाल देगा, पर डिसओनर हो गया, क्या हो गया चेक डिसओनर, डिसओनर का मतलब ये समझ लीजिए बाउंस हो गया, क्या हो गया ओह बाउंस हो गया, तो बाउंस हो चुका है चेक, तो बाउंस हो गया, हमने कैश बुक को बढ़ा दिया था, बैंक वाले में चेक बाउंस मतलब कि चेक में कोई गड़बड़ी रहा होगा तो चेक बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, चेक बाउंस कर गया, क्या करें, क्या बैंक वाले ने आपके अकाउंट में पैसा जमा किया होगा, ना जी ना, बैंक वाले ने पैसा तो जमा नहीं किया, अब क्या करें दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करना है तो अब क्योंकि ये बढ़ चुका है इसको ही क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो कितने रुपए घटाना पड़ेगा जी 320 रुपये, तो 320 रुपये मैं किसमें माइनस में लिख दूंगा, कमाल है ना, डिसओनर मतलब चेक बाउंस करना। नेक्स्ट है आठ नंबर पे देखिए, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन, यानी कि बैंक ने पे किया हाउस टैक्स, अब हाउस टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि खर्चा कौन सा है किसका, हमें बस ये देखना है कि कैश पे इम्पैक्ट आया या नहीं आया कैश बुक में या पासबुक में, बस ये देखना है, ठीक है सर कोई बात नहीं, तो बैंक ने हमारे बिहा पे, हमने बैंक वाले को ऑर्डर दे रखा था कि भाई जो भी हमारा अगर कभी हाउस टैक्स आता है तो जितना हाउस टैक्स आएगा इतना पे कर देना है तुमको, मेरे से पूछना नहीं है, तो बैंक ने पे कर दिया, उसने मुझे बताया नहीं फ़ोन करके कि सर आपका हाउस टैक्स का अमाउंट इतना ड्यू था मैंने पेमेंट कर दिया, तो उसने बताया नहीं, तो क्या हुआ होगा आठवें नंबर पे कि कैश बुक है ये पासबुक है, तो पेमेंट कर दिया बैंक वाले ने तो मेरे पासबुक यानी बैंक से पैसा कम गया हुआ, कम हो गया पासबुक कम हो गया ना, हाँ जी, तो
क्योंकि टैक्स पेमेंट करने से मेरे अकाउंट से पैसा कम हो गया होगा। उसने मुझे बताया नहीं कैशबुक में कम हुआ क्या, ना। किसको छेड़ना है, कैशबुक को। तो अब कैशबुक को क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। कितने रुपए माइनस करना पड़ेगा जी, जी 350 रुपये। तो 350 रुपये यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, कमाल है। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप टोटल कर लीजिए और टोटल करने के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे डेबिट है ना, तो डेबिट का जो उल्टा होगा वो होगा आपका क्रेडिट। डेबिट का उल्टा क्या होगा, क्रेडिट। क्यों होगा उल्टा, क्योंकि कैशबुक का जो डेबिट बैलेंस है, देखिए ये होता है कैशबुक और ये होता है पासबुक। कैशबुक का जो डेबिट बैलेंस है, जो कैशबुक का डेबिट बैलेंस है वो आपका पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब आप अपने बैंक में पैसा जमा करते तो कैशबुक में प्लस करते थे, तो कैशबुक में प्लस किधर लिखते थे, डेबिट साइड में ना, हाँ जी, तो डेबिट साइड में प्लस लिखते थे। और वही जब आपके अकाउंट बैंक में पैसा जमा होता था तो आपके पासबुक में, आपने पासबुक देखा होगा ना, तो पासबुक में किस क्या लिखा जाता है, जब आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है तो क्रेडिट लिखा जाता है ना। तो पासबुक के हिसाब से प्लस का मतलब क्रेडिट है और कैशबुक के हिसाब से प्लस का मतलब डेबिट है। तो क्योंकि ये प्लस में शुरू हुआ था, तो जब फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस। तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होगा, क्रेडिट। और क्रेडिट को मैं दूसरे भाषा में क्या कह सकता हूँ, फेवरेबल। क्या बोल सकता हूँ, फेवरेबल। और क्या बोलूँगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास। यहाँ कैशबुक है तो यहाँ पासबुक है, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है, इतना दिमाग में फिट कर लीजिए। अब क्या करना है, क्योंकि प्लस से शुरुआत हुआ था तो प्लस का टोटल कर लीजिए, इसमें से ये क्रेडिट यानी माइनस वाला घटा के जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो आप इसको टोटल करिए, ये आपका आ गया 429,480 रुपये। कैसे आया, ये मैंने प्लस का टोटल किया तो 445,750 रुपये आया। और आपको मालूम है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा दोनों साइड लिख लेंगे, तो मैंने दोनों साइड लिख लिया, उसमें से ये माइनस वाले का इतना मैंने टोटल किया तो ये आया, घटा देने पर कितना आ गया 429,480। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपने असाइनमेंट का। इसमें हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक हमने सीखा, अगला क्वेश्चन जो करेंगे डेबिट का उल्टा यानी पासबुक के लिए क्या होता है, क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक करेंगे यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी 30 सितंबर के डेट में, क्योंकि ये जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है वो मंथली बेसिस पे बनाया जाता है नॉर्मली, तो मंथली बेसिस में जो गड़बड़ी हुआ है वो कौन से डेट तक के हमें देखना है, 30th September तक के। कितने डेट तक के, 30 सितंबर 2022 तक के। तो सबसे पहले दे रखा है बैलेंस एज पर द पासबुक। अब इसमें लिखा नहीं है सर कि बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो हमेशा याद रखिएगा कि फेवरेबल बैलेंस दे रखा होगा एक्चुअल। अगर कोई बैलेंस नहीं दे रखा है तो फेवरेबल मानेंगे, क्या मानेंगे, फेवरेबल। और यहाँ पे जो फेवरेबल है पासबुक का वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है, क्रेडिट। कैशबुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो देखिए कितना रुपए दे रखा है, 10,000 रुपये दे रखा है। अब क्योंकि फेवरेबल एक्चुअल बैलेंस है ना, यानी आपके अकाउंट में पैसा इतना जमा है, तो जमा है मतलब प्लस में है, तो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में पैसा जमा है, तो 10,000 मैंने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलिए, या सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक बोलिए, या फिर इसको फेवरेबल बोलिए, बैलेंस एज पर पासबुक बोलिए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड में क्या बोला है, सेकेंड में बोला है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द कैशबुक। ओहो, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया भैया, यानी कैशबुक है ये पासबुक है। मतलब ये कि चेक डिपॉजिट किया है बैंक में बट नो एंट्री वॉज पास इन द कैशबुक। ओहो, चेक डिपॉजिट कर दिया, मैं चेक अपने बैंक में गया लेके और डिपॉजिट कर दिया और अपने कैशबुक में ही एंट्री करना भूल गया, तो इसका मतलब मैंने चेक बैंक को दे दिया था, तो बैंक वाले ने क्या करेगा, मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगा ना, जमा कर देगा ना, तो इसका मतलब पासबुक में बैंक वाले ने क्या कर दिया है,
प्लस तो कर दिया है, बट हम एंट्री करना कहाँ भूल गए, खुद ही भूल गए हैं, कैश बुक में एंट्री करना भूल गए हैं। तो बताइए अब क्या करें, क्या से क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जो पहला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे कैश बुक था और यहाँ पे अब क्या है पासबुक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे नाम रहेगा हमें उसी को छेड़ना है और उसके अलावा जो यहाँ दूसरा दिखाई देगा वो क्या मानेंगे, पड़ोसी की बीवी। तो पड़ोसी की बीवी की तरफ देखना भी नहीं है, छेड़ने की बात तो दूर है, तो इसका मतलब किसको छेड़ना है यहाँ पे, पासबुक। देखो अगर ये लॉजिक समझ में आ गया ना तो खेल खत्म हो जाएगा आपका, ये फ्री के नंबर है। तो यानी कि आपने जिसका नाम लिखे हैं वहां पे जो गलती को सुधारना है वो आप उसी में सुधारोगे, अपने के साथ ही सुधारना है, दूसरों के साथ नहीं सुधारना है। तो इसका मतलब कैश बुक में कोई एंट्री तो हुई नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि पड़ोसी की बीवी है। तो अब क्या करें, पासबुक में ही, पासबुक ज्यादा हो चुका है, अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक को ही कम करना पड़ेगा। कितने रुपए से कम करना पड़ेगा, अमाउंट जो है 500 रुपए है, तो 500 रुपए मुझे माइनस के कॉलम में लिखना पड़ेगा। कमाल है, तो ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। थर्ड नंबर पे क्या है, चेक रिसीव्ड एंटर इन द कैश बुक बट नोट सेंड टू द बैंक। ओह, यानी ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो हमें चेक कहीं से रिसीव हुआ था और हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया बट बैंक में भेजा ही नहीं। एक बात बताओ कहीं से चेक आया, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। देखो रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर, यहाँ पे मैंने जो बोला दूसरे को नहीं छेड़ना, हमें यही तो पहले पता लगाना है कि गलती क्या हुई है। गलती पता लगाने के बाद जो गलती को सुधारना है ना वो इसमें सुधारना है, दूसरे वाले में नहीं। तो यहाँ पे दूसरा कौन है, कैश बुक है, याद रखिएगा। तो पहले गलती को तो आइडेंटिफाई कर ले। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चेक मेरे पास कहीं से आया, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया और वो चेक अगर बैंक में जमा करूंगा तभी तो बैंक वाला मेरे अकाउंट में पैसा जमा करेगा, बैंक में मैंने भेजा ही नहीं, तो भेजा नहीं तो पासबुक में एंट्री हुआ क्या, नहीं। अब बताओ यहाँ पे मैंने किसका नाम लिखा है, पासबुक का, तो छेड़ना किसमें, गलती किसमें सुधारना है, पासबुक। तो बताओ कैश बुक में ज्यादा हो चुका, पासबुक को भी सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक में प्लस करना पड़ेगा। कितना रुपए प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 1200 रुपए। तो 1200 रुपए यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस के कॉलम में। फोर्थ देखिए, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। ओ माय गॉड, यानी कि क्या करना है, यहाँ पे कैश बुक है, ये पासबुक है, तो इसके लिए एक लॉजिक समझा देता हूँ, अगर कई बार कंफ्यूज हो जाए तो आप इस एग्जांपल के थ्रू कर लीजिएगा। ये मान के चलिए कि अजम्पशन है कि मैंने यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी कैश बुक का डेबिट बैलेंस मान लेते हैं कि 1000 रुपये है, ठीक है ना, और यहाँ पे किस साइड के लिए बोला है कास्ट शॉर्ट, चाहे कास्ट शॉर्ट हो या ओवरकास्ट हो, अंडरकास्ट हो या ओवरकास्ट हो, दोनों के लिए आप एग्जांपल से आप कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा, क्रेडिट साइड बोला है, मतलब कि दूसरे साइड में, तो क्रेडिट साइड कितना रुपए, 200 रुपए, ठीक है, तो कोई बात नहीं 200 रुपए है, तो ये आपका क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड है। तो अगर मान लो क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, पेमेंट होता है, तो मैंने पेमेंट जो करना था वो जो भी किया होगा मैंने 500 रुपये किया मान लो, तो सीडी कितना आना चाहिए, 500 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए बीडी 1000 रुपये है और बोला है क्रेडिट साइड जो है वो 200 रुपये हमने कम रिकॉर्ड किया, तो 500 रुपये हमको रिकॉर्ड करना था, पेमेंट कितना किया 500, बट हमने गलती से 200 रुपये कम लिखा है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे पेमेंट का कितने रुपए दिखाया होगा, 300 रुपये। तो इसका मतलब सीडी कितना है, सीडी कितना हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितने से आप क्रेडिट साइड जो है वो कम लिखोगे, जितने से क्रेडिट साइड कम लिखोगे आपका ये बैलेंस देखो क्या हो गया है, ये बैलेंस आपका उतने से बढ़ जाएगा, क्या है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है। तो सीधा सा क्या लॉजिक है कि अगर कैश बुक का क्रेडिट साइड में अगर कम लिखते हो तो उससे कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है जितना कम लिखोगे उतने से ज्यादा हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे 500 लिखना था, मैंने कितना लिखा, 300, मतलब 200 रुपये मैंने कम लिखा है, तो 200 रुपये मैं क्रेडिट साइड में कम लिखता हूँ तो जितना कम लिखूंगा उतने से मेरा बैलेंस सीडी जो है वो ज्यादा शो करेगा, क्या होगा, ज्यादा शो करेगा।
ठीक है सर, तो ज़्यादा शो करेगा तो इसका मतलब कैश बुक ज़्यादा शो कर रहा है सर, मतलब कैश बुक जो है वो बढ़ चुका है। ओके, यही गलती। इसका मतलब पासबुक के कंपैरिजन में कैश बुक का बैलेंस क्या है, 200 रुपये से ज़्यादा है, जितना हमने कम लिखा है। तो इसमें देखिए, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम जो है कितने से कास्ट शॉर्ट है, 200 रुपये, तो 200 रुपये से कम है। तो आप किसको छेड़ना है, पासबुक को। तो पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो बढ़ा दीजिए, कितने रुपए है, 200 रुपए। तो 200 रुपए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, कमाल है ना, क्योंकि कैशबुक में गलती से बढ़ गया है, बढ़ने का रीजन मैंने बता दिया, ठीक है ना। ओके, और अगर यही क्वेश्चन में ओवरकास्ट लिखा होता, अगर यही क्वेश्चन में ओवरकास्ट होता तो ओवरकास्ट का कैसे करते हैं, कि अगर मान के चलिए यहाँ पे जो है ये 1000 रुपये है, यहाँ 500 रुपये है, ठीक है ना, तो 500 की जगह यहाँ पे मैंने 200 रुपये ज़्यादा लिख दिया, तो ज़्यादा लिखने का मतलब क्या है, 700 लिख दिया, तो बताइए सीडी कितना हो जाएगा, सीडी 300 रुपये। इसका मतलब जब ओवरकास्ट की बात करेंगे तो देखिए एक्चुअल सीडी 500 होना था, अब कितना हो गया, 300, कम हो गया। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड अगर आपने कम लिखे हो तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, 500 होना था, अब 300 कम हो गया ना, तो कम हो गया, तो ये वाला रिजल्ट होता। अब क्या करना है कि अगर पासबुक है तो पासबुक को भी कम करना पड़ता, और अगर हमें कैशबुक को छेड़ना होता तो कैशबुक को बढ़ा देते, कमाल है। ओके, अगला हम चलते हैं पांचवें नंबर पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस ₹600। इंश्योरेंस स्टैंडिंग एडवाइस का मतलब क्या होता है, कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई मेरा हर महीने या हर क्वार्टरली या हर 6 मंथ पे मेरा इतना जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम जाना है, तो आप मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट से माइनस करके पेमेंट कर देना। अब आपने ऑर्डर दे दिया, क्या बैंक वाला हर महीने आपको फ़ोन करके बताएगा कि सर मैंने पैसा आपके अकाउंट से काट के माइनस करके मैंने आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम मैंने भर दिया है, कैसे बोलेगा क्या बैंक, नहीं बोलता ना। तो इसका मतलब क्या करें, क्या किया होगा पांचवें नंबर पे, ये कैश बुक है ये पासबुक है, अगर आपका खर्चा बैंक पेमेंट करेगा तो आपके अकाउंट से पैसा कम हो गया होगा ना, हाँ सर पैसा कम हो गया, बट बैंक वाले ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो कैश बुक में कम हुआ क्या, नहीं हुआ, तो बताओ किसके बिहाफ पे कर रहे हो, पासबुक के, तो कैश बुक को तो छेड़ना नहीं है ना, तो इसका मतलब कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, पासबुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितने रुपये प्लस करना पड़ेगा, 600 रुपये, तो ये 600 रुपये यहाँ आ गया। अगला है सिक्स नंबर पे देखिए, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। ओ माई गॉड, ये 6 नंबर पे है, ये कैश बुक है ये पासबुक है, बैंक चार्जेस का मतलब खर्चा है, तो पासबुक में तो माइनस हुआ होगा, कैश बुक में भी हुआ, बट ये ट्वाइस दो दो बार माइनस कर दिया, तो बताइए कैश बुक में दो दो बार माइनस कर दिया, पासबुक में एक ही बार माइनस हुआ, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये दो बार माइनस हो गया, एक बार हुआ, तो इसको एक बार और माइनस कर देंगे, कितने रुपए माइनस करना पड़ेगा, तो बराबर आ जाएगा 20 रुपये, तो 20 रुपये मैं यहाँ पे माइनस के कॉलम में लिख दूंगा, कमाल है ना। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ एंट्री, सेवेंथ में क्या बोला है, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। देखिए कमाल है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, चेक इशू किया, मुझे किसी को पेमेंट करना था, मैंने चेक दे दिया, भाई तू दोबारा मत आ जियो, मैंने कैशबुक में से माइनस कर दिया, कि भाई मैंने चेक दिया है तो बैंक में जाएगा, मेरे बैंक से पैसा कम हो जाएगा, मैंने कैशबुक को घटा दिया, बट वो इंसान जो है बैंक तक पहुंचा ही नहीं है पेमेंट के लिए, प्रजेंट ही नहीं हुआ, तो पहुंचा नहीं है तो मेरे बैंक से पैसा कट हुआ क्या, नहीं हुआ सर, तो अब नहीं हुआ, दोनों को बराबर करना है, किसके बिहाफ पे, पासबुक के, तो पासबुक को छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है, तो ये कम हो चुका है, इसको भी क्या कम करना पड़ेगा, कितने रुपये से, कितना रुपए है, 500 रुपये, तो 500 रुपये आपको माइनस के कॉलम में लिखना पड़ेगा, कमाल है। और अगला है आठवां, 8 नंबर पे बोला है चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। जो चेक रिसीव हुआ है वो दो बार हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, अब यहाँ पे रिसीव की बात है, किसकी बात है, रिसीव की, तो मुझे चेक रिसीव हुआ एक बार प्लस कर दिया, बैंक में इसने बोला नहीं है कि बैंक में हमने भेजा या नहीं भेजा, इसने बोला है कि कैश बुक में दो बार रिकॉर्ड हो गया, तो इसका मतलब हमने बैंक में भेज दिया होगा, तो बैंक में भेज दिया होगा तो बैंक में भी एक बार रिकॉर्ड हो गया होगा, हाँ सर, बट कैश बुक में मैंने दो दो बार कर दिया,
दो दो बार, एक ही बार भाई चेक एक रिसीव होगा तो एक ही बार तो अमाउंट प्लस प्लस करोगे ना। कितने का चेक है? 1000 का। 1000 का चेक आया तो 1000 रुपये लिखना चाहिए ना, बट मैंने दो बार एक एक 1000 रुपये रिकॉर्ड कर दिया तो इसमें 2000 रुपये एंट्री हो गया। यहाँ पे कितना हुआ है? सिर्फ 1000। तो बताओ किसको छेड़ना है? पासबुक को छेड़ना है, इसको तो छेड़ना नहीं है। तो अब पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा, कितने रुपये? 1000 रुपये है ना। हाँ जी, तो 1000 रुपये मैं यहाँ पे प्लस के कॉलम में लिख दूंगा। कमाल है, लास्ट ट्रांजेक्शन है 9th नंबर पे, बिल डिस्काउंटेड डिसओनर नोट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओहो, ये क्या है? ये कैश बुक है, ये पासबुक है, यानी कि कोई बिल हमने डिस्काउंट, आपने बिल एक डिस्काउंट करवाते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है, टॉपिक है, वहाँ पे आपने कभी पढ़ा होगा या सुने होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। बिल का मतलब होता है मुझे कहीं से, मैंने किसी को उधार में सामान बेचा था, उसने एक बिल साइन करके दिया था और वो बिल का बोला था 2-3 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है ना। वो बिल मुझे पैसे की अर्जेंसी जरूरत थी, तो वो बिल का पैसा मुझे 2 महीने बाद प्रॉमिस किया था कि दूंगा। मैं वो बिल बैंक को लेके गया, बैंक के पास, बैंक को बोला भाई ये बिल जो है 5000 रुपये का बिल है, आपको 2 महीने बाद ये इंसान दे देगा, मुझे अभी पैसा दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो बैंक ने कहा कुछ कम दूंगा क्योंकि भाई मुझे तो 5 हज़ार बाद में मिलेगा, तो उसने मुझे जो भी हो कम दे दिया था, मैंने ले लिया। उसको कहते हैं बैंक से बिल डिस्काउंट करा लेना, ठीक है ना। अब वो बिल का पैसा बैंक को मिलना था ना। हाँ, अब बताओ 2 महीने बाद अगर वो बिल का पैसा जिसने मुझे बिल दिया था अगर वो ना दे, तो बैंक वाला क्या करेगा? मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा या फिर उसको ढूंढने जाएगा? मेरे बैंक से पैसा काटेगा ना, मेरे अकाउंट में अगर पैसा रहेगा तो उसी में से काटेगा ना, माइनस में करेगा ना। हाँ सर, तो याद रखिएगा बिल डिस्काउंटेड डिसओनर हो जाता है नोट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में तो पासबुक में तो कम हो गया होगा, क्योंकि बैंक वाला कहेगा भाई ये तूने हमसे तो पैसा ले लिया था, पर जिस बंदे का नाम लिया था, जिस नाम बंदे के नाम से बिल था, वो तो पैसा दिया ही नहीं, तो बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा कम कर दिया, कैश बुक में तो माइनस किया ही नहीं। अब दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा, किसको छेड़ना है? इसी को, इसको तो छेड़ना नहीं है ना, तो अब क्या करें? पासबुक को ही प्लस करना पड़ेगा, कितने रुपये से? 5000 रुपये से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्या है कि ये बैलेंस एज पर पासबुक है, तो जो नीचे आंसर आएगा वो क्या आएगा? नीचे जो आएगा वो बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। क्या आएगा दोस्तों? कैश बुक। कैसे आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट अगर मैंने लिखा है तो यहाँ क्या आएगा? डेबिट आएगा, क्योंकि कैश बुक और पासबुक का अपोजिट रिलेशन होता है। और डेबिट बोलिए या फिर मैं फेवरेबल बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही, फेवरेबल फेवरेबल तो चलेगा, बट अगर क्रेडिट वर्ड यूज करता हूँ तो यहाँ डेबिट वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको? टोटल करना है और प्लस वाले में से माइनस का घटा के जो आएगा वो लिखिए। मैं भी टोटल करता हूँ, 16980 रुपये आ गया। कैसे आया? ये बैलेंसी फिगर आया। कैसे आया बैलेंसी फिगर? मैंने प्लस का टोटल 18000 किया, प्लस का, और जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है आपको मालूम है ना कि दोनों साइड लिख देते हैं। हाँ जी, तो इसमें से 18000 में से 520 इतना ही था ना माइनस साइड में, तो माइनस कर दिया तो 16980 आ गया। तो अभी तक के हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक था, दूसरे क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक हमने कर लिया। अब हम अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक के 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 31 मार्च 2022 की बात है और इसमें आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है ओवरड्राफ्ट में 12500, यानी कि यहाँ पे बोला है कि कैश बुक का बैलेंस जो है माइनस में है। तो अब क्या करना है कि
कि इसका कहानी भी माइनस का मतलब माइनस से शुरू करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। कितना दे रखा है? 12,500 रुपये। कमाल है। तो ये 12,500, और याद रखिएगा कि जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही सेम टू सेम ये होगा, क्योंकि यहाँ पे किसका नाम है? कैश बुक है। जिसका नाम होगा हमें उसी को छेड़ना है, याद रखिएगा। अमाउंट यहाँ पे प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है बस यही अंतर है, बाकी सब कुछ हमें सेम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है, याद रखना। अभी देखते हैं कि सर कैसे दोनों में सेम है। अगला ट्रांजेक्शन दे रखा है चेक, और हाँ बोल दूं कि इसको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मालूम है ना, कैश बुक, ये आपका कैश बुक है, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो अगर डेबिट साइड का ज्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस ही फिगर आएगा, इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है, सीडी इधर आ गया, सीडी इधर आने का मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड का ज्यादा है ना, और क्रेडिट साइड का मतलब माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस ज्यादा है तभी तो इधर आया है ना बैलेंस फिगर डेबिट साइड में। ओके, तो इसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस बोलिए, ओवरड्राफ्ट बोलिए, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, चेक डिपोजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कमाल है। क्या है ये कैश बुक है, ये पासबुक है। चेक डिपॉजिट किया मतलब कैश बुक हमने बढ़ा दिया होगा ना। हाँ सर, चेक डिपॉजिट का मतलब हमने कैश बुक बढ़ा दिया है। और नोट रिकॉर्ड, ओके, चेक डिपॉजिटेड बट नोट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। ओ माय गॉड, हमने चेक डिपॉजिट किया है पर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। मैं चेक बैंक में जाके जमा कराया, और जमा कराया तो बैंक वाले ने बढ़ा दिया होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब पासबुक में यानी कि बैंक में जमा हो चुका है। अब बताइए यहाँ पे पड़ोसी की बीबी कौन है, कैशबुक या पासबुक? तो ये जो है, जो इसका नाम यहाँ लिखे है वो आपकी है, तो ये कैशबुक। इसका मतलब इसमें किसको छेड़ना है? कैशबुक को। पासबुक को नहीं छेड़ना है इस क्वेश्चन के लिए, पासबुक आपकी पड़ोसी की बीबी है, यानी जिसका नाम यहाँ पे होगा याद रखना उसी को रेक्टिफाई करना है, उसी को सुधारना है, उसी में गलती को हमें सही करना, उसकी गलती को ही सही करना, दूसरे की गलती को सही करने मत लग जाना कि गलती उसने की है। तो कैशबुक में क्या कियो? आप लिखना भूल गए और नोट रिकॉर्ड कियो ना, तो आप कर दो ना, फिर प्लस कर दो। कितने रुपये है सर? 2,000 रुपया है, तो 2,000 रुपये प्लस हो गया। ये माइनस में, सिर्फ अगर माइनस में है तो माइनस में, और प्लस में तो प्लस, बाकी जितने करते थे जैसे करते आए थे वैसे ही करना है। अगला है चेक रिसीव बट नोट सेंड टू बैंक। हमको चेक रिसीव हो गया है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, और बट नोट सेंड टू बैंक, हमने बैंक में भेजा नहीं तो चेक रिसीव हो गया। इसका मतलब कैश बुक में मैंने प्लस कर दिया ना, बैंक में हमने भेजा नहीं, तो जब बैंक में भेजा नहीं तो बैंक वाले ने क्या रिकॉर्ड किया होगा? नहीं सर, बैंक वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया। किसको छेड़ना है? कैश बुक को। कैश बुक को छेड़ना है, तो अब क्या करें दोनों को बराबर लाने के लिए? कैश बुक ज़्यादा हो चुका, आप कम कर देंगे। कितने रुपये से कम करना है? 1,500 रुपये से, तो 1,500 रुपये माइनस के कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट। क्या है? ओवरकास्ट। कमाल है, यानी फोर्थ नंबर पे जो है ये कैश बुक है, ये पासबुक है। तो क्या बोला है? ये कैश बुक है और कैश बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड की बात हो। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, एग्जाम्पल ले लेना, कुछ भी 1,000 रुपये है, यहाँ पे 500 पेमेंट किया होगा मैंने, तो सीडी कितना आया होगा? 500 रुपये, ठीक है। ओके सर, तो बीडी 1,000 रुपये अज्यूम कर लिए हैं, क्या ये अजम्पशन हमने मान लिया। अब बताइए यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है वो कम रिकॉर्ड कर दिया है, कितने रुपए से कम रिकॉर्ड किया? 60 रुपए से। तो बताइए 500 रुपए पेमेंट करना था, तो उसमें 60 रुपए मैंने अंडरकास्ट नहीं ओवरकास्ट क्या किया? ओवरकास्ट, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो 500 की जगह मैंने यहाँ पे 560 रुपए पे कर दिया है। तो बताओ सीडी क्या हो जाएगा? अब जितना मैं ज्यादा लिखूंगा उतने से मेरा बैलेंस जो है सीडी बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि 440। तो बताइए सीडी बैलेंस मेरा जो है कैश बुक का पिछले के कंपैरिजन में क्या हो गया? कम हो गया है। तो सीधी सी बात है कि जब भी आपका कैश बुक का अगर क्रेडिट साइड को ओवरकास्ट यानी कि ज्यादा लिख दिए, पेमेंट ज्यादा करोगे, तो आपके हाथ में पैसा कम बचेगा या ज्यादा बचेगा? सीधी सी बात है, क्रेडिट साइड का मतलब होता है पेमेंट,
कैश बुक का क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? पेमेंट। तो अगर पेमेंट मैं गलती से ज़्यादा दिखा दूंगा तो मेरे हाथ में कम बैलेंस दिखाई देगा, जैसे कि ये यहाँ पे मेरा कम बैलेंस, तो इसका मतलब कैश बुक जो है वो कम हो चुका है। तो जब कैश बुक कम हो चुका है, पासबुक को तो छेड़ना नहीं है, किसको छेड़ना, कैश बुक को ही। तो अब कैश बुक को ही क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए से? सर 60 रुपए से, जितने से गलती हुआ उतना ही तो बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका, कितना नंबर है, 5th, बैंक चार्जेस एंटर पासबुक ट्वाइस। पासबुक में बैंक चार्जेस जो है दो बार रिकॉर्ड हो गया है, बैंक वाले भी गलती करने लग गया, बताओ कमबख्त ये बैंक वाले सुधरेंगे नहीं। क्या किए कि बैंक चार्जेस क्या होता है, खर्चा, तो बैंक चार्जेस जो है उससे पासबुक कम होता है ना। हाँ सर, तो पासबुक कम, कैशबुक भी कम होना चाहिए, हो गया। बट क्या किए हैं बैंक वालों ने कि बैंक वालों ने दो बार माइनस कर दिया, ट्वाइस का मतलब दो बार, तो पासबुक को इन्होंने दो बार माइनस कर दिए, कैशबुक में एक ही बार माइनस हुआ, दोनों को बराबर करना हो तो अब क्या करेंगे, हमको कैशबुक में भी कम करना पड़ेगा, जितने से इन्होंने डबल कर दिया। तो कितना रुपये है, ये है आपका 75 रुपीज, तो 75 रुपीज आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस किया ना। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका 6th नंबर पे, बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। हाँ जी, 6th नंबर पे बोला है कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है। बिल रिसीवेबल क्या होता है, मैंने आपको उधार में सामान बेचा और आपसे मैंने एक बिल साइन करवा के ले लिया कि आप प्रोमिस करो कि मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, एक जो भी एक टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड में पैसा दूंगा, तो आपने साइन करके मुझे दे दिए थे, ठीक है ना। अब वो बिल मैंने बैंक को दे रखा था, दे दिया था जाके कि भाई ये आएगा तो जितना पैसा ये बिल में लिखा है उतना पैसा ले लेना, मेरे अकाउंट में जमा कर देना। बैंक ने कहा ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने डायरेक्टली मेरे बिल का पैसा किसको दे दिया, मेरे बैंक को दे दिया। तो यही लिखा हुआ है, डिपॉजिट बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी बिल का पैसा डायरेक्ट बैंक ने जमा कर लिया। हम तो भूल गए कि भाई बिल का पैसा भी आने वाला है, तो बिल का पैसा बैंक ने रिसीव कर लिया तो बैंक ने प्लस कर दिया। और बैंक वाले क्या मेरे को फ़ोन करके बताएंगे कि हाँ आपने जो बोला था ना उसने पैसा दे दिया है, नहीं बताएगा ना। हाँ जी, तो नहीं बताएगा, तो अब दोनों को बराबर करना है। बैंक वाले ने तो मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, मैंने कैशबुक में प्लस किया ही नहीं, तो दोनों को बराबर करने के लिए कैशबुक में छेड़ना है ना, तो प्लस कर दो। कितने रुपए का बिल रिसीवेबल जो है, 4000 रुपये का, तो 4000 रुपये मैं प्लस कर दूंगा प्लस के कॉलम में, कमाल है। अगला देखते हैं, 7th नंबर पर, डिपॉजिटेड चेक रिटर्न डिसओनर, डिपॉजिटेड चेक रिटर्न डिसओनर बाय बैंक। ओहो, चेक हमने डिपॉजिट किया था, क्या किया था, डिपॉजिट किया था, और डिपॉजिट चेक जो है अगर वो डिसओनर हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया था ये सोच के कि भाई बैंक में चेक जमा किया हो तो बैंक वाला भी मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर देगा, बट वो चेक बाउंस कर गया किसी भी वजह से, वजह हमें नहीं देखना, गलती हो गई ना, तो बैंक वाला बाउंस कर गया। तो क्या बैंक वाले ने आपके अकाउंट में पैसा जमा किया क्या? सर नहीं जमा किया। तो नहीं जमा किया तो क्या करें, क्या करें ना, क्या करें, कैशबुक ज़्यादा हो चुका है, पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, पासबुक को तो छेड़ना नहीं है, पासबुक में तो बढ़ा ही नहीं है, तो अब कैशबुक को छेड़ना है ना, कैशबुक ज़्यादा हो चुका है, दोनों को बराबर करना है तो कैशबुक में ही माइनस करना पड़ेगा। कितना रुपए, कैशबुक में माइनस करना पड़ेगा 1700 रुपये, तो 1700 रुपये माइनस में मैं लिख दूंगा। 7th नंबर भी कंप्लीट हो गया। 8th, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन। मैंने बैंक वाले को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, क्या चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आए तो आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर देना। तो इस तरह का जब इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं तो बैंक वाला डायरेक्टली मेरा अकाउंट से पैसा काट लेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ का ईएमआई कराते हैं तो ईएमआई पे अगर डेट होता है उस डेट को पैसा अपने आप आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। क्या हो जब पैसा कट जाता है तो आपको बैंक वाले फ़ोन करके बोलते हैं, हाँ सर मैसेज आ जाता है, मैसेज की बात अलग है, ठीक है ना। पर मान लेते हैं कि मैसेज आया हमने देखा नहीं, ठीक है ना, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मैसेज आने से मेरे कैशबुक में रिकॉर्ड हो जाएगा क्या? ना जी ना। तो इसका मतलब बैंक वाले जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे तो मेरे अकाउंट से पैसा कम करेंगे ना। हाँ, बट मैंने अपने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो याद नहीं था।
क्या करें, दोनों को बराबर करना है। तो पासबुक कम हो गया तो कैशबुक को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैशबुक को ही तो छेड़ना है ना। हाँ सर, कितने रुपए का है? 800 रुपये का, तो 800 रुपये मैं माइनस कर दूंगा। नेक्स्ट जो है, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5400, यानी कि ये कैशबुक है, ये पासबुक है। चेक इशू कर दूंगा तो कैशबुक कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट करने के लिए, बट वो जिसको मैंने चेक दिया था पहुंचा ही नहीं बैंक में, तो पासबुक में कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं आया सर। अब क्या करें, दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करना है तो कैशबुक को ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। कितने रुपए का है? 5400 रुपये, तो ये 5400 रुपये प्लस हो गया। अगला है एंड लास्ट है, चेक डिपॉजिटेड बट नोट क्लियर, यानी कि जो 10th नंबर पे है वो क्या है कैशबुक पासबुक में, कि हमने चेक डिपॉजिट किया बट नोट क्लियर, मतलब कि हमने कैशबुक को तो पढ़ा दिया, बट नोट क्लियर का मतलब ये है कि वो बैंक वाले ने वो चेक को अभी क्लियर नहीं किया है, मतलब चेक का पैसा रिकॉर्ड नहीं किया, अभी वो बॉक्स में डाल के छोड़ रखे हैं। यानी कि वो चेक जब तक पूरा आपका चेक ना कर लें कि चेक सही है, तब तक आपके अकाउंट में तो पैसा जमा नहीं करेंगे। तो बैंक वाले ने एक प्रकार से चेक आपका एक्सेप्ट नहीं किए, या उन्होंने चेक का पैसा किसी भी तरह से आपके अकाउंट में जमा नहीं किया। नोट क्लियर का मतलब बैंक वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैशबुक बढ़ चुका है, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। अब किसके भी हाथ पे करना है? कैशबुक को, पासबुक में तो छेड़ना नहीं है, तो कैशबुक का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कितने रुपए कम करना पड़ेगा? 3200 रुपये। क्या? 3200 रुपये। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तीन में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ क्रेडिट लिखे हैं तो यहाँ पे आपको डेबिट लिखना पड़ेगा, या फिर सीधा सीधा इसकी जगह लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट। क्या लिख दीजिए? ओवरड्राफ्ट, या फिर ओवरड्राफ्ट की जगह अनफेवरेबल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनफेवरेबल। क्या लिखेंगे आगे? बैलेंस एज पर पासबुक। ये कैसे आएगा? ये आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो क्या करना है आपको? ये टोटल करना है। अब इसमें देखिए, शुरू अगर माइनस से हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर प्लस में आएगा, अगर प्लस से शुरू हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा? माइनस में आएगा। बस इतना सा खेल है। तो आप जल्दी से टोटल कर लीजिए, 8315। क्या आ गया? 8315 रुपये। कैसे आया? मैंने माइनस साइड का टोटल किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस से शुरू किया था, तो माइनस का ज़्यादा होगा, जिस साइड का ज़्यादा होता है दोनों साइड हम लिख लेते हैं, तो उसमें से ये घटा दिए, तो आपका बैलेंसिंग फिगर 8315 आ गया। यहाँ पे कैशबुक है तो इसका मतलब यहाँ पासबुक आएगा, यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट है, ओवरड्राफ्ट ही होता है, अनफेवरेबल ही होता है। तो हमारा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। तो हमने कितने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन बस आखिरी क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 4th, जिसमें हम अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक गिवेन होगा और हमें आंसर किसका लाना होगा? अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक। इसमें अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक गिवेन था ओवरड्राफ्ट, पासबुक का आया, अब पासबुक का गिवेन होगा कैशबुक का आएगा। तो ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4th और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक के जो 3 क्वेश्चन हमने अपने असाइनमेंट का जो किया है, वो 3 क्वेश्चन में क्या देखा कि पहले 2, या तो देखिए फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक होगा और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1-2 कर लिया। उसके बाद अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक भी हो सकता है, पासबुक भी हो सकता है, तो अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं, अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक गिवेन होगा और आंसर जो आएगा वो किसका आएगा? कैशबुक का आएगा। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 4th, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ दिनेश ऑन 30th June 2022 विद फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, यानी 30 जून का इंफॉर्मेशन दे रखा है, और ध्यान रखना कि 30 जून तक के जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसी को कंसिडर किया जाएगा। जो 30 जून के बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन हैपन या कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे हम ये मानिए कि नहीं हुआ है। ओके, तो पहले नंबर पे लिखा है पासबुक शोड ऑन एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 15,000 ऑन 30th June 2022।
15,000 रुपये जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है किसका, पासबुक का। और ओवरड्राफ्ट को ही ओवरड्राफ्ट को डेबिट भी बोल सकते हैं, अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। और अनफेवरेबल मतलब माइनस में दे रखा है, नेगेटिव बैलेंस है पासबुक का 15,000 रुपये। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि अमाउंट जो है वो माइनस के कॉलम में लिख लेना है, बस। पहला इफेक्ट तो यही अंदर आता है, अगर फेवरेबल है चाहे वो कैश बुक का हो या पासबुक का हो प्लस में लिखेंगे, और अगर अनफेवरेबल है यानी कि ओवरड्राफ्ट है तो चाहे यहाँ पासबुक का बैलेंस लिखो या फिर कैश बुक का लिखो, आंसर ये शुरू कहाँ से करेंगे, माइनस से। और बाकी के ट्रांजेक्शन का तो बाकी ऐसे ही चुटकियों में खत्म हो जाता है। तो चलिए हम अगला पार्ट देखते हैं, ये हमारा ए था, अब नेक्स्ट पार्ट जो है बी। बी में क्या लिखा, अ चेक ऑफ ₹1200 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक बट नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैंने ₹200 का चेक डिपॉजिट किया, ये कैश बुक है ये पासबुक है, और किसमें, नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बताइए, चेक डिपॉजिट किया मैंने बैंक में, अपने ही कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक वाले ने क्या किया होगा कि मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया होगा, तो मेरे अकाउंट में जमा कर दिया होगा तो पासबुक में प्लस हो चुका है ना। हाँ सर, अब बताना है यहाँ पे क्या बताना, ये है कि यहाँ पे किसका नाम है, पासबुक का, तो इसका मतलब हमको पासबुक को ही छेड़ना है। इसका मतलब ये जो कैश बुक है यहाँ पे वो पड़ोसी की बीवी है, याद रखना, जिसका नाम यहाँ लिखोगे वही है आपकी, उसी में गलती को सुधारना है। तो मतलब पासबुक में ज़्यादा हो गया, कैश बुक में तो हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बताओ इसमें ना रिकॉर्ड करने के पासबुक ज़्यादा हो चुका, अब क्या करेंगे, पासबुक को ही कम कर देंगे। कितने रुपए से कम कर देंगे सर, ₹200 से, तो ₹200 माइनस के कॉलम में आ गया। अगला है, चेक्स ऑफ ₹17,000 वर इशूड बट चेक्स वर्थ ओनली ₹10,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून 2014। ओह माय गॉड, यानी सी वाला जो पार्ट दे रखा है इसमें कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ है कि मैंने 17,000 रुपये का चेक इशू किया है। कितने रुपए का इशू किया है चेक, 17,000। इसका मतलब मैंने कैश बुक में से कितना माइनस कर दिया है, 17,000 रुपये पर ओनली 10,000, यानी 30 जून तक के, हम ये कब तक के बना रहे, 30 जून, तो 30 जून तक के 17,000 में से सिर्फ 10,000 वाला ही बैंक में पहुँचा। जरूरी तो नहीं है ना कि 17,000 का चेक एक ही इंसान को दिया होगा, कुछ कुछ अमाउंट का अलग अलग, तो टोटल मैंने जून के महीने में 17,000 का चेक इशू किया, उसमें से 10,000 वाले बैंक में गए और बैंक में से निकाल लिए कितने रुपए, 10,000 रुपये। अब बताइए कैश बुक में से मैंने 17,000 रुपये, सॉरी क्या लिखा, 10,000 प्रेजेंटेड पेमेंट, हाँ 10,000 रुपये पहुँच चुके, तो हमने कैश बुक में 17,000 माइनस कर दिया है और बैंक में सिर्फ, बैंक में कितने लोग पहुंचे, 10,000 रुपये का ही चेक लेके पहुंचे, तो बैंक से कितना कम हो चुका है, 10,000 रुपये। अब बताओ दोनों साइड बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, सर बराबर करने के लिए कैशबुक तो 17, अब छेड़ना किसको है, पासबुक को, तो पासबुक में बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 17 है तो यहाँ पे और माइनस करना पड़ेगा कितने रुपए से, 7,000 रुपये, तब जाके बराबर होगा ना, तो इसका मतलब पासबुक में मैं 7,000 रुपये माइनस कर दूंगा, कमाल है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है, चेक्स ऑफ ₹2,000 वर रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नोट सेंड टू बैंक। यानी कि जो डी वाला लाइन है बोला है कि हमने चेक रिसीव किया और कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया बट नोट सेंड टू बैंक, हमने बैंक में भेजा नहीं, तो जब बैंक में भेजा नहीं तो क्या मेरे बैंक में पैसा जमा हुआ, नहीं हुआ, तो पासबुक में रिकॉर्ड कहाँ से होगा, नहीं होगा, दोनों को बराबर करना है, किसको छेड़ना है, पासबुक को, तो इसके कैशबुक के बराबर लाने के लिए पासबुक को क्या करना पड़ेगा, पासबुक में भी प्लस कर दो, कितने रुपए प्लस कर दो जी, 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपये प्लस में आ गया। ई एडजस्टमेंट में क्या बोला है, चेक ऑफ ₹10,000 वर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, आउट ऑफ दीज चेक्स ऑफ ₹2,000 and ₹1,000 वर क्रेडिटेड रिस्पेक्टिवली ऑन 8th July and 10th July एंड रिमेनिंग चेक्स वर क्रेडिटेड बिफोर 30th June 2022। कमाल है, तो देखो चेक मैंने भेजा है कलेक्शन के लिए, तो एक बात बताइए, जो ये ई एडजस्टमेंट है ये कैश बुक है और ये पासबुक है,
तो मैंने चेक कलेक्शन के लिए, तो मैं कलेक्शन के नाम से अगर मैं बैंक को मैं चेक देता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कैशबुक में बढ़ाऊँगा ना कि भाई चेक आने वाला है, चेक से पैसा, चेक का मैंने भेजा बैंक में जमा करने के लिए, तो उससे मेरे अकाउंट में पैसा जमा होगा, तो मैंने क्या कर दिया होगा, कैशबुक में प्लस कर दिया होगा। कितने का मैंने चेक भेजा है, 10,000 रुपये का। तो इसका मतलब मैंने 10,000 रुपये का चेक भेजा है बैंक को, तो कैशबुक में 10,000 रुपये मैंने प्लस कर दिया। ओके, तो इस 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये का चेक जो है और 1,000 रुपये का चेक, 2,000 वाला चेक जो है वो 8 जुलाई को, और 1,000 वाला जो चेक है वो आपको 10 जुलाई को पहुंचे हैं। आपने जो चेक कलेक्शन के लिए दिए थे, यहाँ पे इशू नहीं किए, चेक कलेक्शन के लिए दिए हो दोस्तों, तो इसका मतलब हमारे बैंक में पैसा जमा होना था। तो जिस इंसान को मैंने दिया है ना, वो कमबख्त इंसान जो है वो एक पहुँचा है 8 जुलाई को, दूसरा 10 जुलाई को। हमें कौन से ट्रांजेक्शन, कब तक के ट्रांजेक्शन को देखना है, 30 जून तक के। तो एक बात बताइए, ये जो 1,000 वाला है और दूसरा कितने रुपए वाला है, दूसरा 2,000 रुपये वाला है ना, हाँ जी, एक 2,000 रुपये वाला है और दूसरा 1,000 रुपये वाला है, ठीक है ना। तो ये दोनों जुलाई के महीने में पहुंचे हैं, इसका मतलब मेरे पासबुक में ये 3,000 रुपये जो है वो कब प्लस होगा, वो जुलाई के महीने में प्लस होगा, बट हमें तो जून तक के देखना है। इसका मतलब 10,000 रुपये में से 3,000 रुपये वाले जो है वो अगले महीने मेरे बैंक में जमा होगा। कब होगा जमा, अगले महीने जुलाई में। इसका मतलब जून तक के 10 में से 3,000 नहीं हुआ जमा, तो बाकी कितना बैंक ने कलेक्शन कर लिया होगा, सर 7,000 रुपये का कलेक्शन तो बैंक वाले ने कर लिया होगा। हाँ सर, तो इसका मतलब जितने का ये कलेक्शन नहीं हुआ है उतने से आपका पासबुक यानी कि बैंक कम शो कर रहा है ना बैलेंस। हाँ सर, तो बैलेंस कम शो कर रहा है, अब क्या करना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए, किसको छेड़ना है, पासबुक को, कैशबुक को, ना जी ना। तो कैशबुक में अब कितना प्लस करना पड़ेगा जो कि बराबर आ जाए कैशबुक के, 3,000। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 3,000 रुपये प्लस में लिख दूंगा, कमाल है ना। तो यही था ई एडजस्टमेंट, हमने कलेक्शन के लिए भेजा था, ठीक है। आगे लिखा है, इफ बैंक पेड 300 फी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन बिहाफ ऑफ दिनेश विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हाँ जी, ये चैम्बर का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक फीस होता है बैंक चार्जेस, ठीक है ना। तो ये इफ एडजस्टमेंट में बोला है कि बैंक से आपका पेमेंट हो गया, बैंक ने पे कर दिया, ये चैम्बर फीस जो है एक्सपेंस होता है, तो उससे बैंक वाले ने आपका अमाउंट पासबुक यानी कि बैंक बैलेंस माइनस कर दिया। हाँ जी, तो कैशबुक में भी माइनस होना चाहिए था ना, बट नहीं हुआ है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, क्या करें, कैशबुक में तो हुआ ही नहीं, पासबुक में तो माइनस हो गया, हमको किसके बिहाफ पे करना है, पासबुक के, तो कैशबुक तो हुआ ही नहीं, पासबुक में कम हो चुका, पासबुक को ही क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितने रुपए, 300 रुपये। तो 300 रुपये मैं पासबुक में प्लस कर दूंगा। नेक्स्ट क्या है आपका, बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹800 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी 800 रुपये ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब एक प्रकार से जो होता है माइनस यानी कि लोन हो गया। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, आपका अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में, यानी आपने बैंक से एक प्रकार से लोन ले रखा है, तो लोन लोगे माइनस में अगर आपका अकाउंट जाएगा। आपने सुने होंगे कि क्रेडिट कार्ड अगर पेमेंट नहीं करते तो इंटरेस्ट लगता है ना, तो इसे ओवरड्राफ्ट का मतलब एक प्रकार से लोन है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, एक प्रकार से लोन है, तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। हाँ, तो लोन का जो इंटरेस्ट होता है ये कौन सा जी वाला एडजस्टमेंट है, तो क्या करता है बैंक, माइनस करेगा आपके अकाउंट से पैसा या बढ़ाएगा, सर माइनस ही करेगा, कैसी बातें करो, बढ़ाएगा कैसे, तो नोट रिकॉर्ड इन कैश बुक, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया यानी पासबुक में कम हो गया, कैशबुक में तो माइनस हुआ ही नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, किसके बिहाफ पे, पासबुक, तो पासबुक को छेड़ना है, तो पासबुक को अब क्या करना पड़ेगा, प्लस कर दो जी, कितने रुपए है, 800 रुपये, तो ये 800 रुपये यहाँ पे प्लस। अगला है जी के बाद कौन सा एडजस्टमेंट है, एच, तो एच में क्या बोला है, ₹44 बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड 2 times इन कैश बुक एंड बैंक एक्सपेंसेस ऑफ ₹35 वर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब ₹40 बैंक चार्जेस का,
टू टाइम्स इन कैश बुक रिकॉर्डिंग। पहले दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। एक है आपका इसमें बैंक चार्जेस और दूसरा जो है वो है आपका बैंक एक्सपेंस। क्या है? बैंक एक्सपेंस। तो दोनों में कर लेते हैं एक साथ। तो सबसे पहला देख लेते हैं 44 बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड टू टाइम्स इन कैश बुक, यानी 40 रुपए जो है कैश बुक में दो बार हमने माइनस कर दिया। क्या कर दिया है? दो बार माइनस कर दिया है। तो बैंक चार्जेस नॉर्मली बैंक में पासबुक में कितनी बार रिकॉर्ड होगा? एक ही बार। तो एक बार माइनस तो हो चुका है, बट हमने क्या किया है, दो बार कैशबुक में माइनस कर दिया। तो पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए पासबुक को छेड़ना है ना, तो पासबुक को एक बार और माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कितने रुपए से? 40 रुपए से। तो ये 40 रुपए जो है मैंने माइनस के कॉलम में लिख दिया। किसके लिए? बैंक चार्ज। और आगे लिखा बैंक एक्सपेंस रुपीज 35 वर नॉट एट ऑल रिकॉर्ड इन कैश बुक। 35 रुपए जो बैंक एक्सपेंस है वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मतलब ये कि पासबुक कम हो चुका है, कैश बुक में भी माइनस होना चाहिए था ना, बट नहीं हुआ। तो अब क्या करें, पासबुक के यहाँ पे पासबुक को छेड़ना है ना, तो पासबुक में कम हो चुका है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पासबुक को ही प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपये प्लस करना पड़ेगा? 35। कमाल है, यानी एक ही ट्रांजेक्शन में एक तो माइनस हुआ एक प्लस हुआ, ये भी ध्यान देने की बात है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, मैंने बता दिया। और लास्ट है आई। तो आई में क्या बोला है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई रुपीज 1000 बाई मिस्टेक। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक की बात हो रही है जी यहाँ पे, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। तो यहाँ पे क्या है, अंडरकास्ट है और क्रेडिट साइड। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो कैश बुक होता है क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट है। तो अगर पेमेंट अंडरकास्ट मतलब कम लिखता हूँ, 1000 पे अगर मैं पेमेंट कम दिखाता हूँ तो मेरे पास, मुझे किसी को ज़्यादा पैसा देना था मैंने कम दिया, तो अगर पेमेंट मैं कम करता हूँ तो मेरे हाथ में ज़्यादा पैसा दिखेगा या कम दिखेगा, बस इतना बता दो। मुझे किसी को कितना भी पेमेंट करना था, अब जितना पेमेंट करना था उससे मैंने कम पेमेंट किया, लिखा ना अंडरकास्ट मतलब कम पेमेंट किया, तो कम पेमेंट करूंगा तो सर मेरे हाथ में ज़्यादा पैसा दिखेगा। इसका मतलब कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिख रहा है? प्लस, यानी कि कैश बुक जो है वो बढ़ चुका है किसके कंपैरिजन में? पासबुक के। तो अब क्या करना पड़ेगा, कैश बुक ज़्यादा हो चुका है तो पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक को ही छेड़ना है। तो पासबुक को बढ़ा दो, कितने रुपए से? 1000 रुपए से। और ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म। इसी के साथ हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी खत्म। कमाल है। तो अब बताइए ये जो तीन है वो सेम यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लीजिए। क्या है? ओवरड्राफ्ट। अब देखो ये डेबिट है, तो मैंने बताया डेबिट का उल्टा क्रेडिट होगा, तो यहाँ क्रेडिट है। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक था, तो आपका आंसर किसका आएगा? कैश बुक का आएगा। तो क्या करना है, क्रेडिट से शुरू हुआ था मतलब माइनस से आपने शुरू किया हो तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो किस में आएगा? प्लस साइड में आएगा। और अगर प्लस से शुरू किया हो तो बैलेंसिंग फिगर माइनस साइड में आता। तो आप इसका टोटल करिए, 15105 रुपये। कमाल है ना। तो 15105 रुपये कैसे आया, माइनस साइड का टोटल किया तो 22240 रुपये, इसमें से प्लस वाला ये सारा घटा दिया तो बैलेंसिंग फिगर 15105 रुपये आ गया। 15105। कमाल है दोस्तों, एक ही क्लास में आज मैंने पूरा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के हर तरह के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, चार मेथड है, चारों मेथड मैंने कंप्लीट करा दिया। तो देखिए एक क्लास में जो आज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है टोटल, कोई बात नहीं है, पर एक ही में आप ये एक वीडियो देखिए, इसी से आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 100% कंप्लीट हो गया है। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये जो मेरा असाइनमेंट है डिस्क्रिप्शन मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये चारों क्वेश्चन वहाँ आपसे आप डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चन, और आराम से आप प्रैक्टिस करिए। एक बार देख के देखिए वीडियो, उसके बाद खुद से आप प्रैक्टिस करिए, और अगर गलती हो तो दोबारा देख लीजिए, आपका ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।